सर नहीं हुआ है। অ্যাপ্লিকেশনটা কাজ করছিল না বলেই মুশকিলটা হচ্ছে। ওকে, গুড ইভিনিং ফির সে সবকো একবার। আচ্ছা, जैसे कि लास्ट वीक में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, आज भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो खत्म नहीं होता, हर वीक इंपॉर्टेंट ही लगता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल डिस्कशन भी मैं करूंगा। टैक्सेशन को लेके कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट था, जैसे शंकर जी, तोरण बाबू, इन लोगों ने मुझे बताया था कि थोड़ा टैक्सेशन को लेकर भी बोलने के लिए, तो इसलिए मैं सोचा कि आज क्लास को दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल एरिया, बट फिर भी मैं आज क्या करूंगा कि फंडामेंटल एरिया में पहले स्टार्ट उसी से करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को ऑटोमेटिकली थोड़ा कम चर्चा होगा फंडामेंटल का कोर एरिया में, उसके बाद मैं थोड़ा टैक्सेशन एरिया में जाऊंगा, जिसमें अगर आप म्यूचुअल फंड से इनकम करते हो तो आपका टैक्सेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या टैक्स वगैरह देना पड़ता है, और अगर आप इक्विटी शेयर से करते हो तो आज मोस्ट प्रोबेबली मैं म्यूचुअल फंड कवर कर पाऊंगा, नेक्स्ट दिन मैं इक्विटी शेयर्स के बारे में भी थोड़ा बोलूंगा। और एक बात, जो आज का मेन डिस्कशन एरिया है दैट इज, जैसे कि हम लोग रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो रेशियो एनालिसिस में आज मेरा मेन डिस्कशन पॉइंट रहेगा, एक सेकेंड, रेशियो एनालिसिस में मेरा डिस्कशन पॉइंट आज रहेगा दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक सेकेंड, किसी को कुछ कोई कुछ पूछ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, क्रांत क्या ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा है, लिंक तो मैंने सभी को दिया, रोशनी को देना भूल गया था ना लिंक, है दादा मैं तो ज्वाइन करवो की हबे देखा छ, हां सॉरी सर, ये ऐप काम नहीं कर रहा था ना तो मिस हो गया मेरे से। दो एक जन को तेरे जैसे मैं मिस कर दिया, देखो अभी वही मिस हो गया था। गुड इवनिंग शुभो, गुड इवनिंग शुभो, गुड इवनिंग दादा, तरुण बाबू गुड इवनिंग, তরুণ বাবু নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছিল বলে অ্যাক্সেস করতে পারছিলাম না, বুঝতে পেরেছি না, আমার অ্যাপ্লিকেশনটা একটুখানি প্রবলেম হচ্ছিল আজকে, জানি না লাস্টে ওয়েবটা ইউজ করতে হলো ওই জন্য দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, তো ডিসকাশন তো স্টার্ট কর চুকে হ্যাঁ, তো জেসে কি মে আপকো ভি বলনে যা রাহা থা কি রিটার্ন অন ক্যাপিটাল, রিটার্ন অন অ্যাসেটস এন্ড রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড। নাও পয়েন্ট ইজ দ্যাট ই রিটার্ন অন অ্যাসেটস অর রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড রেশিও অ্যানালাইসিস কে থ্রু সে হম লোগ কেসে ফাইন্ড আউট করেঙ্গে, दैट्स अ बिग इशू। तो जैसे कि हम लोग एमरन बैटरीज को यूज कर रहे हैं, है ना, एमरन बैटरीज का फाइनेंशियल डेटा को यूज कर रहे हैं फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस, तो पहले मैं आप लोगों को रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू से एमरन बैटरीज का जो केस चलता है उस पर मैं पहले बात कर लूंगा, उसके बाद में टैक्स पार्ट में जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो एक सेकेंड, आपके का टॉपिक की, हाँ बोलून, What's the topic today? आज के टॉपिक होच्छे रेशियो एनालिसिस चलछे, रेशियो एनालिसिस से कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, ये दुटो पार्टे डिस्कशन करा होबे, आर तारपर डिस्कशन होबे म्यूचुअल फंडे टैक्सेशन बेनिफिट, माने टैक्सेशन पर्पस टा, ये दुटो जिनिस, ये तीनटे जिनिस आज के डिस्कस करबो। प्रथम एकटु फंडामेंटल लेवेले हार्डकोर पार्ट डिस्कस करबो, ओटाई बोलछिलाम एकटु आगे क्लासे, एंड तारपर आमी जाबो टैक्सेशन पार्ट, যেটা আমাদের চলছে অ্যাকচুয়ালি, আমরা ফান্ডামেন্টালি রেশিও অ্যানালিসিস করছি, যেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা লাস্ট প্রিভিয়াস টু ক্লাসে প্যাট মার্জিন ইউজ করতে শিখেছি, রিটার্ন অন কি বলে রিটার্ন অন ইকুইটি ক্যালকুলেট করতে শিখেছি, লাস্ট উইক আমরা ডুপন্ট অ্যানালিসিসও করেছিলাম, কোনো কোম্পানির প্যাট মার্জিন অর নেট প্রফিট মার্জিনকে কিভাবে অ্যানালাইজ করা যায়, দ্যাট ওয়াজ দি লাস্ট উইক টপিক। সিমিলারলি রিটার্ন অন ক্যাপিটাল, রিটার্ন অন ইকুইটি, জিসমে হম লোগো নে ইয়ে কিয়া থা, ইয়াদ হোগা সবকো, ডুপন্ট অ্যানালিসিস কা কনসেপ্ট ইয়াদ হ্যায় আপ সবকো, হ্যালো হ্যালো সুমন, মনে আছে ডুপন্ট অ্যানালিসিসটা একটু, আমার আওয়াজ কি আসছে সবার কাছে ক্লিয়ারলি, না প্রবলেম হয়? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা
तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा कंटिन्यूएशन चलेगा, ठीक है, और फिर आफ्टर दैट टैक्सेशन पार्ट में जाएंगे। रेशियो एनालिसिस आपके का विषय है क्या? बेसिकली रेशियो एनालिसिस, बेसिकली इन सिंपल यदि बोली तो रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस जो आपने देन एडी रेशियो या तो ওই ব্যাপারটাই। हां बोलो, बोलूं की बोलें যে এডি রেশিও দেন না আপনি, এডি রেশিওটা ওটা 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 আলাদা জিনিস, ওটা তো আপনার টেকনিক্যাল এর ব্যাপার, মানে মার্কেটে প্রত্যেক দিন কতটা মার্কেট রেশিওতে এক চেঞ্জ হচ্ছে ওটা, এটা আলাদা জিনিস, এটা এটা হচ্ছে আপনার ব্যালেন্স শীটের আর প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে যে ডেটাগুলো থাকে সেই ডেটাগুলো থেকে কোম্পানির যে আমরা যে প্রফিটের যে জায়গাগুলো দেখতে পাই, ইপি আর্নিং পার শেয়ার গুলো দেখতে পাই, দেখবেন মানি কন্ট্রোলও দেখায় আর্নিং পার শেয়ার, পি রেশিও মানে প্রাইস টু আর্নিং রেশিও, রিটার্ন অন ক্যাপিটাল অ্যাসেটস, এই যে জায়গাগুলো। এডি রেশিও মানে হচ্ছে অ্যাডভান্স টু ডিক্লাইন রেশিও, ওর ভিতরে কতগুলো শেয়ার অ্যাডভান্সে আছে মানে কতগুলো উপরে উঠে বন্ধ হয়েছে আর কতগুলো ডিক্লাইন মানে নিচে লাল লাল রঙে বন্ধ হয়েছে, ওটা ওটা টেকনিক্যাল এরিয়া যেমন টেকনিক্যাল আমরা কি করি, টেকনিক্যাল হিন্দি বেঙ্গলি একদম সমঝ মে নিয়ে আগে হিন্দি বলনা পড়েগা পয়েন্ট ক্যা কি ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যাল মেন ডিফারেন্স ক্যা कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स को देख के ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फंडामेंटल मतलब कंपनी का फंडामेंटल देखना कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल हम लोग किसी भी कंपनी का फंडामेंटल देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का टेक्निकल मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलता है और फंडामेंटल उसका पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल होता है, मतलब फंडामेंटल के साथ मार्केट का डायरेक्ट लिंक नहीं होता, फंडामेंटल इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी, but technical is not about always about the company, technical is about market also, technical is always matlab about market also, but fundamental is absolutely for that particular company, so actually hum log ka jo ye fundamental analysis ka discussion hai iska main purpose yahi hai ki aap kisi bhi company mein jab investment karte hain that is not for trading purpose, especially for investment purpose, whenever we invest in any company us particular company ka future growth ko understand karna, प्रीवियस ग्रोथ को मतलब आइडेंटिफाई करना और उसके साथ करंट सिचुएशंस को भी देखना और उसका फ्यूचर कहां तक जा सकता है उसको फंडामेंटल लेवल में चेक करना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इवन बिफोर यू चूज एनी कंपनी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी आपको फंडामेंटल से ही समझ में आएगा, तो ये एक्चुअल में मेन पर्पस है, ठीक है, ব্যাপারটা কিছুটা বোঝা গেল তরুণ গুরু? আসলে আপনার অনেকগুলো ফান্ডামেন্টাল ক্লাস অ্যাকচুয়ালি মি অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে, ওই জন্য আপনার অনেকগুলো ক্লাস ও মিস হয়ে গেছে, সেই জন্য একটুখানি অসুবিধা হচ্ছে, নাহলে ওটা হতো না, ঠিক আছে আমি কোনো না কোনো একটা স্টার্ট করতে হবে, কন্টিনিউ হতে হতে দেখবেন একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট চলে, ওকে আচ্ছা স্ক্রিন মে শেয়ার করতাম একবার মুঝে থোড়া কনফার্ম কিজিয়েগা স্ক্রিন শেয়ার হুয়া কি নেই, মৈতোষ দেখিস তো একটু স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে, तो फिर से उसी पर्टिकुलर पॉइंट में फंस जाऊंगा, मैं सबको एक होमवर्क भी दिया था, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट मीन्स जब हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपनी का इक्विटी का एक रिटर्न देने का एक ताकत होता है, कि इक्विटी का मतलब बेसिकली होता है ओन कैपिटल, ठीक है, इक्विटी का मेन मतलब ही होता है ओन कैपिटल, जैसे कि हम लोग जो मार्केट में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे किसी भी कंपनी का शेयर हम लोग होल्ड करें तो एक्चुअली कंपनी हमसे जो कैपिटल लेते हैं दैट इज इक्विटी कैपिटल, ठीक है, या फिर जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर ने कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज ऑल्सो इक्विटी कैपिटल, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग,
फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो होल्ड करता है एवरीथिंग, सब कुछ इक्विटी होल्डिंग होता है, मतलब प्रोमोटर हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक एलआईसी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, इवन रिटेल पार्टिसिपेंट्स लाइक अस, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, वी आर कॉल्ड रिटेल पार्टिसिपेंट्स. तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी का मेन कॉन्सेप्ट ये होता था जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया. अगर किसी का भी मिस है, जैसे ज्योति का मिस है मोस्ट प्रोबेबली, तो जिनका भी मिस है मैं उसको जरूर बोलूंगा कि एक बार प्लीज ये वाला क्लास कर लीजिएगा, बहुत वाइटल क्लास था, बहुत ज्यादा. रिटर्न ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टर असेसमेंट के लिए. मतलब अगर आप ऐसे इन्वेस्टर मार्केट में आते हो तो आपके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही वाइटल पॉइंट है. और जिसमें हम लोगों ने, और एक चीज, नॉट जस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके साथ साथ और एक स्पेशल पॉइंट में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, दैट वाज पैट मार्जिन. जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एमरन बैटरी, क्योंकि एमरन बैटरी का केस स्टडीज तो नहीं है ये, दैट इज क्योंकि एमरन बैटरीज का पीएल बैलेंस शीट हम लोग बस कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर ये हम लोग एमरन बैटरीज का रियल लाइफ पीएल बैलेंस शीट 2011 से लेके 14 तक का डेटा हम लोग पूरा का पूरा रिसर्च किए थे, और उसके थ्रू से हम लोगों को कंपनी का पैट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या डेवलपमेंट आया था उसका डेटा हम लोगों को मिला था, और जिसमें हम लोगों ने शार्पली देख पाया था कि किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर चेंजेस हुआ है. इवन उसके साथ साथ कंपनी का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है उसमें भी हम लोगों ने देखा था, और उसके साथ साथ अगर आप स्टॉक प्राइस को भी ट्रैक किए होंगे तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के साथ साथ कंपनी का शेयर प्राइस इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है. इवन अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव जाता है तो उस कंपनी का मतलब शेयर में नेगेटिविटी भी आ सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने बात किया था. तो ये था पैट मार्जिन का कॉन्सेप्ट, और एक अनदर जो कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल था दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट. और रिटर्न ऑन इक्विटी का नॉर्मल फॉर्मूला जो होता था दैट इज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब प्रोमोटर आ सकता है, एफआईआई आ सकता है, डीआईआई आ सकता है, हम लोग जैसे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकता है, हर एक शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी का एरिया है उसको इंटू 100 करना होता है. तो लेकिन ये जितना आसान फॉर्मूला देखने में लग रहा है, क्या रियल में इतना आसान में निकल गया था? क्या इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ा था? हाँ सुबह, जितना आसान इसका फॉर्मूला है क्या इतना इजीली निकल गया था क्या आरओई? ना दादा, इतना इजीली तो नहीं निकला था. मोहितोष के साथ मेरा काफी इस मैटर में चर्चा हुआ था, मोहितोष के साथ अदानी पोर्ट में. मोहितोष मुने पड़छे अदानी पोर्टटा? मोहितोष मेरे साथ अदानी पोर्ट के बारे में, मतलब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अदानी पोर्ट का आरओई के बारे में मोहितोष खुद भी डिस्कस मतलब चर्चा किया और फिर मेरे साथ उसको शेयर किया था. तो फिर अल्टीमेटली आरओई का सिचुएशन अच्छा था कि बेकार था? पैट मार्जिन, स्पेशली पैट मार्जिन में डिस्कशन किया था ना मोहितोष तुम मेरे साथ? हां हां दादा, पैट मार्जिन एंड आरओई तो ভালো লাগছে না. पोजीशन एज पर अकाउंटिंग सिस्टम पोजीशन इज नॉट गुड, बट अदानी का एक दूसरा फंडामेंटल है, ठीक है, दैट इज क्वालिटेटिव फंडामेंटल है. दिस इज एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस का ना दो पार्ट होता है, ठीक है. फंडामेंटल एनालिसिस में ऑलवेज टू पार्ट, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि क्वांटिटी मतलब कंपनी का अकाउंट्स चेक करके उसका फाइनेंशियल डेटा को निकालना, और एक होता है कंपनी का फ्यूचर कि उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में कुछ मार्केट है या नहीं, दैट इज बी अनदर एरिया. और कंपनी अपने आप से क्या बोल रहा है, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी अपने मैनेजमेंट अंदर से, ये कंपनी का मैनेजमेंट को समझ में आता है कि वो अपनी कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहता है. तो करेंट डेट में अगर आप अदानी पोर्ट वगैरह ऐसे बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा इसका बिजनेस में मतलब एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, अदानी पोर्ट एंड एसीजेट. लेकिन अगर आप अदानी पोर्ट एंड एसीजेट का बेसिकली आप बैलेंस शीट को यूज करके अगर आप आरओई कैलकुलेशन करेंगे या पैट मार्जिन कैलकुलेशन करेंगे तो सिचुएशन नेगेटिव है, सिचुएशन नॉट गुड. मतलब इस हिसाब से अगर कोई जाएगा ना, मतलब एकदम एज पर फाइनेंशियल डेटा, तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कोई सोचेगा नहीं. बट इसका एक दूसरा पहलू भी है, ठीक है, जिसके कारण मार्केट में इसका इतना ग्रोथ भी दिखाई दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके मार्केट में ना मतलब एक तरह का इसका मोनोपोली इसलिए चल रहा है बिकॉज इसका ना कॉम्पिटिटर जो लोग है ना वो इस बिजनेस में ज्यादा देर तक ना मतलब ज्यादा रहना नहीं चाह रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और इससे रिटर्न कमाना थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है. मतलब अभी इतना जल्दी होगा इसके बारे में श्योरिटी नहीं दे सकते कोई भी, लेकिन इसको लेके यही हो रहा है कि ये एक के बाद एक पोर्ट खरीद रहा है,
एक के बाद एक एयरपोर्ट खरीद रहा है, जिसके चलते इंडिया का एक्सपोर्ट में एक बूमिंग आ रहा है। ठीक है, अब ये इंडियन इकोनॉमी के बूम के ऊपर डिपेंड करके अदानी का बिजनेस में मूवमेंट है। ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इसको लेके चलता है, और ट्रेडिंग अच्छा होता है बोल के ना इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि लास्ट वन ईयर में 300 से स्टॉक का रैली 841 तक हुआ है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हो तो इसका ठीक ऑपोजिट ही आता है। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके नेगेटिव बात करना चाहिए? नहीं, नॉट जस्ट नेगेटिव, मतलब ये वन ऑफ द पैरामीटर है कि हम लोग जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो उसका फाइनेंशियल एरिया भी एक बार जरूर देख लेना चाहिए, ताकि रिस्क कंट्रोल करने के टाइम पे हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का वन ऑफ द मेन रीजन था ये सब चीजें पढ़ने के पीछे, मतलब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग कंपनी को फंडामेंटल लेवल में भी, उसका फाइनेंशियल लेवल में भी हम उसको एनालाइज कर पाए। दैट इज व्हाई मैंने आप लोगों को, अच्छा ये आरओई में और एक स्पेशल डिस्कशन हुआ था अगर याद है सबको, दैट इज डुपॉन्ट। डुपॉन्ट एक फेमस, डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन के नाम पे एक फेमस कंपनी हुआ करता था। सुमन की प्रॉब्लम है कल, आज की हो चुके उसकी वजह से ज्वाइन हो चुके ना क्या ना, আচ্ছা বাকি সবাই আমার আওয়াজ পাচ্ছে তো প্রপারলি? আজকে কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যুস হচ্ছে সবার সাথে? না না সব ঠিক শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, তাহলে এরকম কেন হচ্ছে? এরকম তো খুব কমই হয়। আরো একজন দুজন জয়েন করতে পারেনি, তারাও বলছে নেটওয়ার্ক প্রবলেম, কেন জানি না তাদের পার্সোনাল প্রবলেম হচ্ছে তাহলে বোধহয়। আচ্ছা শঙ্কর জি, জ্যোতি সবকো মেরা সাউন্ড ক্লিয়ার হ্যাঁ? হ্যাঁ সাউন্ড ক্লিয়ার। ওকে नेटवर्क ओके, नेटवर्क इश्यूज तो नहीं लग रहा है ना किसी को? नहीं कुछ नहीं। ओके okay. फिर इसका पर्सनल प्रॉब्लम ही होगा, तभी मैं सुमन का आवाज नहीं पा रहा क्योंकि सुमन तो हाँ ना करता रहता है। अच्छा ये प्रणय जी, ये इसका आधारित बोर्ड्स का मैंने फाइनेंशियल्स देखा था इनका। हाँ हाँ एनालिसिस में हाँ 1920 का जो फाइनेंशियल ईयर का है कंपेयर टू 2018 इनका इनकम ज्यादा है। हाँ इनकम, हाँ इनकम पॉजिटिव हुआ है लेकिन एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, इसका लोन बहुत ज्यादा है। हां तो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, इसलिए जो प्रॉफिट फॉर द ईयर वो है नेगेटिव है। इनकम ग्रोथ है, मतलब इसका सेल्स है, इसका इसका सेल्स है। आप सही बात कर रहे हैं शंकर जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक पैरामीटर नहीं होता है। मतलब ऐसे तो हम लोग सिर्फ अगर पैट मार्जिन देखेंगे, जैसे कि मोहित उसके साथ मेरा काफी देर तक चर्चा हुआ था इसमें, अगर आप पैट मार्जिन देखेंगे ना तो पैट मार्जिन खराब है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप इसका इनकम देखेंगे, अगर आप इसका रेवेन्यू का जो सोर्स है वो देखेंगे, और जिस तरह से इसका एसेट आ रहा है, ठीक है, ये एक बहुत वाइटल पॉइंट है। और आज का मेरा चर्चा वही है कि कंपनी अपना एसेट को कैसे यूज करता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने, मैं बस बार बार बोलूंगा कि जिन लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी और पैट मार्जिन का क्लास नहीं किया, प्लीज एक बार कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि आप मतलब आगे का हर एक पॉइंट आप समझ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज डुपॉन्ट एनालिसिस या डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, डुपॉन्ट जो यूज किया वो बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा वाइटल है। अदानी पोर्ट्स का प्रलय थी, ये सिचुएशन जो है जहां पर इनकम में ग्रोथ है लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इस वजह से प्रॉफिट फॉर द ईयर नेगेटिव है। अगर आप फाइनेंशियली बोले तो सिचुएशन अनहेल्दी है। अगर आप फाइनेंशियली बोले तो सिचुएशन अनहेल्दी है, मतलब जैसे वो रोहित शर्मा जैसे हालत है। ठीक है, क्वालिटी बहुत है बट परफॉर्मेंस करेंट लेवल में अच्छा नहीं है। करेंटली बिजनेस अपना ग्रोथ स्टेज में है, मैं आपको जेन्युइनली बोलता हूँ, करेंटली बिजनेस अपना ग्रोथ स्टेज में है, इसका फ्यूचर बहुत दूर तक का है, इसका फ्यूचर बहुत दूर तक का है। जो पेशेंस रख सकता है उसके लिए ठीक है, बट जो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटाइल भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम में ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इसमें जाना चाहता है तो इस बिजनेस में दम बहुत है। रिस्क इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका लोन इतना ज्यादा है कि अगर ये बिजनेस करके रिटर्न ना कमा पाए तो फिर इसमें थोड़ा सबको रिस्क लगता है। तो बहुत लोग, जो लोग सिर्फ फाइनेंशियल लेवल में चूज करना चाहता है, किसी किसी का ये भी एक ओपिनियन है कि क्या एक अदानी का ही बिजनेस है जिसमें सब इन्वेस्ट करना चाहता है। एक्चुअली मैंने ये जेन्युइन एक सवाल है कि अदानी को लेके ना मार्केट में बहुत जरूरत से ज्यादा चर्चा चल रहा है, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और उसके बाद फिर ये सेंट्रल पावर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अगर पॉलिटिकल चेंजेस कुछ होता है नेक्स्ट इलेक्शन में तब थोड़ा सा
तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इंपैक्ट करेगा इनको, तब थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। हाँ बोल बोल। আরেকখানা স্টক আছে একটু ওপেন করো। কি বললা? CCL প্রোডাক্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড। CCL প্রোডাক্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড। প্রোডাক্ট কি কোম্পানি এটা? নেগেটিভ। এটা হচ্ছে কফি কোম্পানি। পার্ট ডে নেগেটিভ রিটার্ন তে কফি কফি। আচ্ছা। পার্ট ডে নেগেটিভ যাচ্ছে, পার্ট ডে নেগেটিভ, ফান্ডামেন্টাল দুধ ফার্স্ট অং আমি দেখেছি। Exactly, अब वही मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली अदानी पोर्ट को लेके ना टेक्निकल जो लोग हैं, मतलब जो लोग ट्रेड करता है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड विद अदानी, एंड इसके चलते इसको लेके ना ट्रेडिंग बहुत अच्छा होता है, बिकॉज अदानी रोज ना रोज कुछ ना कुछ न्यूज होता रहता है। आप देखेंगे अदानी को लेके बहुत ज्यादा ना मार्केट में चर्चा चलता रहता है, और इसके लिए ट्रेडर के लिए ना एक बहुत अच्छा बात होता है, इसलिए ये ट्रेडर लोग देखते पड़े। हाँ बोलो दीछे, अदानी टोटल गैस শর্ট টার্মে অতটা এখন মুভমেন্ট হয়তো একটু থামবে, বাট আদানি টোটাল গ্যাসের মোটামুটি আমি যতটুকু বুঝছি গ্যাস মার্কেটে ফিউচার খুব ভালো, বিকজ ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়া মে আবি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কাজ সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন যে নেটওয়ার্ক কাজ সিচুয়েশন হ্যাঁ হিসাব সে আগে আপনি বাত করু তো সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কাজ আবি বহুত এরিয়া কভার করার হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট চাহতা হ্যাঁ ইন্ডিয়া কাজ 70% লোককে পাশ গ্যাস কাজ প্রপার কনেক্টিভিটি হো, এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন কে লিয়ে, दूसरा घर मतलब घरेलू कंज्यूमर्स के लिए, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सेगमेंट में। ये सारे सेगमेंट में अभी इतना ज्यादा खाली जगह है, जिसके कारण अगर अदानी गैस में किसी का मतलब अगर 4-5 साल का होल्डिंग अगर कोई रखता है तो बहुत दूर का फ्यूचर है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा गेन हुआ है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा रन फिर से करेगा। दिस इज माई फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोल रहा इसमें, ठीक है। तो ये अदानी टोटल गैस के बारे में या फिर अदानी गैस के बारे में मेरा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। अगर फ्यूचर सोचते हो गैस मार्केट का कि कितना गैस में मार्केट है देश में, तो फिर गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अभी बहुत खाली है। प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, और जो अदानी कर रहा है, अब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है करंट लेवल में अदानी के साथ, ये एक अच्छा बात है। अब 2024 के बाद क्या होगा दैट इज सब्जेक्ट टू क्वेश्चन, लेकिन तब तक ग्रोथ रहेगा, इतना मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी और भी समय के साथ साथ कुछ चेंजेस होगा तो वो देखना पड़ेगा। आई होप कि मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, अब मेन चर्चा में आ जाते हैं। मेन चर्चा में आ जाते हैं, मैं फिर से कंपनी लेवल में बात करूंगा, अगर किसी पर्टिकुलर जैसे सुमन ने तो मुझे चीनी के बारे में बहुत कुछ पूछ के रखा है, मैं बात करूंगा सुमन चीनी के बारे में भी, ठीक है। अगर कोई चाहता है तो MGL में इन्वेस्ट कर सकता है, उसका एक महीने में 400 रुपया अपसाइड देगा। कप एंड हैंडल पैटर्न और रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, मैंने ग्रुप में डाला था उसका लिंक। महानगर गैस के बारे में तो मैं तो कम से कम 1.5-2 महीने से, एक महीने से ज्यादा से बोल रहा हूँ, और रिसेंटली मैंने देखा अनुभव ने भी महानगर गैस के बारे में टेक्निकल दिया, ये भी एक अच्छा है, मतलब नॉट जस्ट अदानी। एक्चुअली अदानी को लेके ज्यादा ही इमोशन चलता है, तो किसी किसी एनालिस्ट का कहना है कि अदानी छोड़ के और भी तो कंपनीज है, आप उसमें भी देख सकते हो जो अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसीलिए बहुत लोग कहना चाहता है कि आप इतना रिस्की स्टॉक में क्यों जाना चाहते हैं, बट अगर आप मुझे पूछते हैं कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फ्यूचर में कितना आएगा, अगर आप पेटीएम को भी देखो ना, पेटीएम भी तो नेगेटिव में है, पेटीएम अभी तक प्रॉफिट ही नहीं कर पाया, आप पेटीएम को भी देख लो, लेकिन क्या पेटीएम का फ्यूचर नहीं है? आप लोग ही बताइए। की बोलो दादा, हेलो। अगर तुम इसका प्रॉफिट देखोगे ना तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर लॉस कंपनी में कौन इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह का ना बहुत सारा पैरामीटर है जिसमें अगर चर्चा करने बैठे तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रेडिक्टरी लगेगा, बट दैट डजंट मीन, लेकिन फंडामेंटल तो वही है ना कि कुछ पॉइंट में आपको कॉन्ट्रेडिक्शन लगेगा बट कुछ पॉइंट में आपको फंडामेंटल बड़ा हेल्दी लगेगा। अब उसी के लिए ही तो फंडामेंटल जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए हम लोगों का, हम लोग एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं। चलिए ना क्लास का जो मेन पार्ट है उसमें आते हैं, ठीक है। चलिए तो रिटर्न ऑन एसेट्स में थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए
लास्ट दिन दो हुआ था, एक पैट मार्जिन और एक उससे पहले ईबीडीआईटी हो गया था, ईबीडीआईटी हो गया, पैट मार्जिन हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। आज मैं थोड़ा बात करूंगा रिटर्न ऑन एसेट्स पे। अब सिमिलर जो डुपॉन्ट मॉडल हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किया था, डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन फेमस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी है यूएस का, उसी के हिसाब से इसका जो मेन पैटर्न लास्ट क्लास में चर्चा हुआ था। तो अगर आपने डुपॉन्ट मॉडल समझ गए थे ना, तो आपको ये रिटर्न ऑन एसेट समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं किए थे उनको भी समझ आएगा, मैं थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोलूंगा, समझ आएगा। फंडामेंटल सुन के ना बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मैंने तो प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ भी नहीं आएगा, बट नॉट लाइक दैट। अच्छा सुमन, हमारा आवाज पाच हो तुम्हें? सुमन है पाच। अच्छा ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट टू रेशियो शुड बी सिंपल, मतलब अगर आपको डुपॉन्ट का लास्ट दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी क्लियर था तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू यूज द एसेट टू क्रिएट प्रॉफिट्स। दैट मींस कंपनी के पास एसेट कितना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी के पास एसेट कितना है और उस एसेट को यूज करके कंपनी प्रॉफिट कितना कर पा रहा है। मुझे तो उस बेपट्टा बोझा जाए कि कंपनी के पास एसेट कितना है और उस एसेट से कंपनी कितना प्रॉफिट क्रिएट कर पाते हैं। हम तो बेटा पूछते हैं लेकिन चलता है ना। अब इसी पैटर्न में ए वेल मैनेज्ड एंटिटी, दैट मींस यहां पर ना बड़ा ही कांसेप्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट का। हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के टाइम पे कितना लोग मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। एक्चुअली सभी कोई ना ब्रांड नेम ढूंढता है, बट ब्रांड नेम के पीछे कौन काम करता है, मैनेजमेंट काम करता है। अब इसीलिए वेल मैनेज्ड एंटिटी limits investment in non-productive assets. जो assets ज़्यादा productive नहीं है, उसमें अपना investment को limit करता है. Hence, ROA indicates the management efficiency, that means quality of management. ROA indicates the management efficiency at deploying its assets. Needless to say, higher the ROA, the better it is. जितना ROA ज़्यादा होगा, उतना बेहतर. That means return on asset जिस company का जितना अच्छा है, वो company ज्यादा बेहतर है अपने कंडीशंस पे, अपने पोजीशन में। नाउ पॉइंट इज दैट आरओए का मतलब क्या है, आरओए कैलकुलेशंस होगा कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। नेट इनकम कंपनी का ढूंढना पड़ेगा, कहां मिलेगा, मैं आऊंगा ना पीएल में जाऊंगा मैं, प्लस इंटरेस्ट, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कंपनी ने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट, इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंपनी का जो लोन है उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट क्या करेगा, कंपनी पे करेगा, ये सर इंटरेस्ट कंपनी क्या करता है, सुबह पे करता है ना। एक्चुअली ये इंटरेस्ट में बहुत एक कहानी छुपा हुआ है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, नेट इनकम के साथ इंटरेस्ट को जोड़ो और उसको टैक्स के साथ एडजस्टमेंट करो, उसको टैक्स के साथ एडजस्टमेंट करो। आप यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 माइनस टैक्स रेट। शंकर जी आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक जाना पहचाना लगेगा क्योंकि आप फाइनेंस करते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैं। देखिए यहाँ पर टैक्स रेट जब माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये टैक्स शील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। यस हाँ हाँ याद आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटल बजटिंग, हम लोग हर जगह में इस कॉन्सेप्ट को यूज करते कि 1 माइनस टैक्स। ठीक है, जो लोग भी फाइनेंस के साथ हो, नॉट जस्ट शंकर जी, ज्योति है, रोशनी है, प्रिया है, they all understand, ठीक है, कि 1 माइनस टैक्स रेट हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि टैक्स हमारा बिजनेस को ना, मतलब बिजनेस में ना, मतलब थोड़ा प्रॉफिट को कम कराते हैं, तो जो सुविधा होते हैं बेसिकली इंटरेस्ट के कारण ये होते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसको, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं अभी फॉर्मूला बस बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो लोग फाइनेंस नहीं पढ़ते हैं या फाइनेंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, फ्रॉम दी एनुअल रिपोर्ट, चलिए थोड़ा एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट में थोड़ा जाना पड़ेगा। नेट इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 14 अमेरन बैटरीज का 367.4, कैसे पता चला, इसके लिए आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाइए, आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ, आपको मैं लेके चलता हूँ एनुअल रिपोर्ट में, कहाँ है अमेरन बैटरीज का एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट बाय इंफॉर्मेशन कंपनी पावो को था, कंपनी वेबसाइट थे, कंपनी वेबसाइट के लिए पावो था, है एकदम एकदम कंपनी वेबसाइट ही, कंपनी समस्त इंफॉर्मेशन पावो था। अरे डू पॉइंट की मॉडल है इधर पर तक की बुझ लाम ना एटा ओट आगे दिने क्लास्टर टाइम ही बुझी है जी ओट एक तो देखता होगा आपने आई मोटा अभी जो दी ना पर अभी शेयर थोड़ा कंपनी रिपोर्ट पावर आरेक्टर जाएगा अच्छे दादा
যেখানে সব কোম্পানি রিপোর্ট পেয়ে যাবে ইন্টারমিডিয়েটর ওরা ডাইরেক্ট আপনার কোম্পানির ওয়েবসাইট নিয়ে চলে যায় নালে কোম্পানি সাইটে গেলেও পেয়ে যাবে এভরি ইয়ার এভরি কোয়ার্টার কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট রিলিজ করে এভরি ইয়ার এভরি কোয়ার্টার কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট রিলিজ করে আচ্ছা তো নেট ইনকাম কহা মিলেগা লুক হিয়ার আপ লোগো কো প্রফিট এন্ড লস দিখ রহা হ্যায় মে সারা সোর্স বতা দুঙ্গা আপ লোগো কো ডোন্ট ভরি ঠিক হ্যায় আপ থোড়া সা দেখ তো লিজিয়ে আভি সারা সোর্স আপ লোগো কো পতা চল জায়েগা সোর্স পতা করনে মে জ্যাদা টাইম নি লাগতা বাট সমঝনে মে টাইম লাগতা হ্যায় স্টেটমেন্ট অফ টিএল ये 31 मार्च 2014 का है सिमिलरली आपको 19 20 20 21 सब मिलेगा दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस मैं 2014 का यूज कर रहा हूं यहां पर ठीक है नाउ पॉइंट इज दैट आप यहां पर देख सकते हैं रेवेन्यू ये कंपनी का टोटल रेवेन्यू का एरिया है दैट इज कंपनी ने कितना सेल किया ठीक है अब कितना सेल किया उसमें से एक्सपेंस कितना किया अब माइनस करके क्या मिल जाएगा कंपनी का प्रॉफिट मिल जाएगा तो 34,821 मिलियन में हिसाब दिया हुआ यहां पर ठीक है 34,821 मिलियन का 31 मार्च 2014 का डेटा है सिमिलरली आप 31 मार्च 2013 का भी डेटा यहां पर ट्रैक कर सकोगे किसी भी बैलेंस शीट में पीएल में मतलब लगातार दो साल का मिलता है मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में कैलकुलेशन हो रहा है उस साल का मिलता है और उसका ठीक प्रीवियस ईयर का आपको मिलेगा ये ट्रेंड है लेकिन अगर आप कंपनी के इसके साइट के अंदर जाते हो तो आपको पिछला चार पांच साल का भी मिल जाएगा ठीक है ये नॉर्मल नहीं इवन 10 साल का भी मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली फाइंड आउट करते हो तो ठीक है मैं करेंटली आपको यही समझाता हूँ तो यहाँ पर एक्सपेंस एरिया भी आप देख सकते हो तो प्रॉफिट आप रेवेन्यू से एक्सपेंस को लेस कीजिए ठीक है तो रेवेन्यू से जब हम लोग एक्सपेंस को लेस करेंगे आप हाथ में कैलकुलेटर लेके भी बैठ सकते हैं अगर आप माइनस करके देखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंस भी देख लीजिए और फिर आप देखिए कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स क्या सबको दिखाई दे रहा है कंपनी का इसको हम लोग बोलते हैं PBIT, that is profit before interest and tax भी बोलते हैं। फिर वहां से आप profit before tax भी देखिए, ठीक है? ये PBT है, ठीक है? ये PBT है। और फिर PBT से कंपनी ने क्या किया? PBT से कंपनी ने अपना टैक्स दिया, ठीक है? That is tax expenses। और अल्टीमेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 3674.36 मिलियन, that is 3674.36 मिलियन, that means 367.4 करोड़। ये बैलेंस शीट ये लोग मिलियन में मेंटेन कर रहा है कर सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम ये पॉसिबल है कि कंपनी चाहे तो मिलियन में भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है कोई करोड़ में भी कर सकता है वो अपने ऊपर है ठीक है अच्छा मिलियन में कीजिए बिलियन में कीजिए बट अल्टीमेटली जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में आप समझ लीजिए अच्छा जैसे मैं तो ज्यादा मिलियन बिलियन कम समझता हूँ करोड़ में बोलते हैं लाख में बोलते हैं ज्यादा समझ आता है देश का भाषा है अच्छा बेसिक लगता है अच्छा अब पॉइंट है कि नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स अब हमें ये सब डेटा कहां से मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको पीएल में लिख दिया था तो पीएल में फाइनेंशियल ईयर 14 का अगर आपने इनकम देख लिया ना 367.4 तो वहीं से लिया गया एंड वी नो फ्रॉम द डुपॉन्ट मॉडल जब हम लोगों ने किया था तो कंपनी का एवरेज एसेट दैट इज फाइनेंशियल ईयर 13 और 14 दोनों मिला के 1955 करोड़ का 1955 दैट इज 1955 करोड़ इस तरह का एवरेज एसेट हम लोगों को मिला था क्या किसी को याद है ये कॉन्सेप्ट ये डुपॉन्ट करने के टाइम पे भी हम लोगों ने किया था इसमें 13 और 14 दोनों साल का एसेट को एवरेज किया गया क्योंकि कंपनी एसेट्स एक साल के लिए यूज करता है कि एसेट फ्लो के साथ हर साल ट्रांसफर होता रहता है आप लोगों को कुछ याद आ रहा है मेरा पॉइंट एवरेज एसेट कैलकुलेशन जब हम लोग डुपॉन्ट में भी किए थे तो हम लोगों ने एवरेज एसेट कैलकुलेशन करने के टाइम पे कंपनी का एसेट्स को कंपनी का जो एसेट्स है उसको हम लोगों ने एवरेज किया था और एवरेज करके हमने उस एवरेज एसेट को यूज किया था जो हम लोगों ने डुपॉन्ट में बहुत अच्छे से समझा था और इसके पीछे दो साल का यूज करने के पीछे रीजंस क्या था बिकॉज कंपनी का जो एसेट्स रहता है वो एसेट्स तो एक दिन के यूज करने के लिए नहीं है ना क्या मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है मतलब क्या एक साल में कंपनी का एसेट यूज खत्म हो जाता है या फिर कंपनी का एसेट लगातार चलता रहता है कि एटलीस्ट 5 साल 10 साल तक एसेट चलेगा प्लीज बोलिए ना कॉमन सेंस से ही तो बात समझ में आ जाएगा एसेट इसका चलता रहता है ना
बेसिकली एवरेज एसेट फाइंड आउट करने के लिए क्या कर किया जाता है कंपनी का, ये देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने एवरेज टोटल एसेट्स को फाइंड आउट करना सीखे थे। तो डुपॉन्ट में अगर आप लोगों को डुपॉन्ट याद है तो इसमें हम लोगों ने 1955 का कंपनी का जो एसेट्स है ये देखिए एसेट टर्नओवर 1955 जस्ट लुक हियर, यहां से यहां पर भी हम लोगों ने किया था डुपॉन्ट सॉल्व करने के टाइम पे। तो सिमिलरली एवरेज एसेट पहले से ही कैलकुलेटेड है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि कैसे पता चला एवरेज एसेट इस तरह से, वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हम लोग एवरेज एसेट को फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। कहां जाना पड़ेगा हमें, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का एसेट का डिटेल्स मिलता है बैलेंस शीट में। ठीक है, ये रहा पीएल, ठीक है ये रहा पीएल, ठीक है थोड़ा ध्यान दीजिए, ये रहा पीएल और ठीक इसी के ऊपर या नीचे आप जाएंगे ना एनुअल रिपोर्ट का, आपको बैलेंस शीट भी मिलेगा और बैलेंस शीट में आपको कंपनी का एसेट का डिटेल्स भी मिलेगा। मिल रहा है, देखिए तो थोड़ा सा, ये देखिए ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो हिस्सों में बांटा जाता है बैलेंस शीट को, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है और एक होता है एसेट्स। एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी दैट इज शेयर होल्डर्स कैपिटल या फिर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है इसका भी यूज है, इसका भी यूज बहुत बार हो रहा है, जैसे कि शेयर कैपिटल का यूज हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखा था, आज मैं फिर से सिखाऊंगा, आज भी जरूरत पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कंपनी का एसेट्स को देख पा रहे हैं, आप कंपनी का टोटल एसेट देखिए, एसेट भी दो तरह का होता है, ठीक है एक आपका नॉन करेंट, एक होता है करेंट। करेंट मतलब जो एसेट एक साल के अंदर यूज करता है कंपनी, दैट इज नॉन इन कॉमन सेंस, एक साल के अंदर एसेट का यूज खत्म तो करेंट एसेट्स, और मोर देन वन ईयर के लिए जब एसेट्स का यूज चलता रहता है तब उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, अब उतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं कि ये रहा कंपनी का टोटल एसेट्स का एरिया। ठीक है, अब इसी एसेट्स को एवरेज करके हम लोगों को मिला था 1955, जिसका कैलकुलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी करके रखा था कि नहीं रखा था। हाँ मोहितोष, रोशनी, सभी को पूछ रहा हूँ, प्रिया बोलो, हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था ये 1955 का हिसाब, हम लोगों ने लास्ट क्लास में करके रखा था, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर स्किप कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं स्किप कर सकता हूँ ना शंकर जी, थोड़ा सा थोड़ा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट जो कंपनी का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस रहता है ना, मतलब कंपनी ने जो लोन लेके रखा है, ठीक जैसे अदानी पोर्ट का भी आप लोग सोच रहे थे कि अदानी का मतलब लोन का एरिया बहुत हाई फाई ज्यादा है, ठीक है जिसको लेके अदानी को लेके बहुत लोग बात कर रहे हैं। तो शो व्हाट डज इंटरेस्ट इनटू वन माइनस टैक्स रेट, ये क्या करे, दैट मींस वेल थोड़ा सा धीरे से देखिए, थिंक अबाउट इट, द लोन टेकन बाय द कंपनी इज ऑल्सो यूज टू फाइनेंस द एसेट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनी लोन क्यों लेता है, कंपनी एसेट बनाने के लिए तो लोन लेता है। हेलो सुमन, तुम एक काज करो, एक बार रिजॉइन करो, मन हो तुम्हारे नेटवर्क इश्यू হচ্ছে আজকে। সুমন আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। তুমি দেখতে পাচ্ছ নাকি স্ক্রিন? হ্যাঁ স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। পাচ্ছো? না তুমি লিখেছো ওটাই দেখছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো হোয়াট ডাজ ইন্টারেস্ট ইনটু 1 মাইনাস ট্যাক্স রেট মিন্স, দ্যাট মিন্স कंपनी जो लोन लेता है, आप मेरा बात को समझिए, मैं आपको अमेरन के बैलेंस शीट में भी देखा मतलब शो कर सकता हूँ कि अगर आप अमेरन बैटरीज का बैलेंस शीट ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका लायबिलिटी भी दिखेगा। ये देखिए करेंट लायबिलिटी दिख रहा है आप लोगों को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 83.83 मिलियन का, ट्रेड पेबल मतलब कंपनी क्रेडिटर को पे करेगा, मतलब जिनसे रॉ मेटेरियल लेके बिजनेस कर रहा है उनको पेमेंट करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट मीन्स कंपनी का लोन है ये 759.47 का, और कुछ टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है टैक्स को छोड़िए, लेकिन क्या आप लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख पा रहे हैं क्या, प्लीज मुझे बताइएगा। 759.47 मिलियन एंड 83.83 मिलियन का, क्या सबको दिखाई दे रहा है? हेलो, अब इसका मतलब ये नहीं, अब इसका मतलब ऐसा ना समझिएगा कि जो बोरोइंग यहाँ पर दिखा रहा है कि मतलब यही इसी के हिसाब से एसेट का भी हिसाब होगा, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसे किसी के मन में चल सकता है कि अच्छा जितना बोरोइंग होगा फिर उतना का ही एसेट खरीद लिया होगा, नहीं नहीं एक्चुअली ये सब कंटिन्यूअस फ्लो है, ये जो बैलेंस शीट है ना, अगर आपको उसको ट्रैक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब से कंपनी चालू हुआ है ना आपको तब से ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम दी
फर्स्ट डे जिस दिन से कंपनी अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, बिकॉज़ बैक एक्चुअली ना इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होता है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है कि नहीं, बट फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना रोशनी? एक होता है फ्लो और एक होता है स्टॉक. एंड नाउ माय पॉइंट इज दैट दिस बैलेंस शीट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट? बैलेंस शीट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब आपके बिजनेस एवरी ईयर होते एवरी ईयर इसका जो डेटा है ना वो हमेशा लास्ट ईयर का डेटा ही इस ईयर में आता है, मतलब 13 का जो डेटा है वही, ये देखिए ना आप यहाँ पर, ये डेटा ही ट्रांसफर होके इधर आता है, 13 का डेटा ही ट्रांसफर होके इधर आता है, थोड़ा एडिशन होता है तो वो दिखा जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए 773 का है ना, उसको ही ऐड करके इधर आया है, अब इसके साथ इस साल का कुछ एडिशन हो गया, अब इसको डिटेल्स में देखना है तो नोट में जाना पड़ेगा कि भाई कौन सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस किस पर्पस में किया है, एवरी नोट भी आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही मिलता है कि किस कंपनी ने किसके लिए किस पर्पस में खर्चा किया है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर आपको पर्पस देखना है तो नोट में जाइए जो मैंने पहले चर्चा करके रखा है बैलेंस शीट की क्लास में, तो आप इस तरह से नोट भी देख सकते हो, नोट देखोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी बैलेंस शीट की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं आपको अभी आरओए सिखाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं. ओके, तो अब आरओए के लिए हमें क्या चाहिए था, आरओए के लिए हमें इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो बेसिकली बस आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए कि जब कंपनी लोन लेता है तो लोन लेने के पीछे सिंपल वजह रीजन होता है कि कंपनी को उसको एसेट में कन्वर्ट करना है, मतलब लोन लिया और उस लोन को क्या करेगा, एसेट में फाइनेंस करेगा, वही तो तू भी अपने बिजनेस में ही करता होगा, अरे है दादा अपने बिजनेस के लिए तो यही करता होगा ना तू, कि लोन किस लिए लेता है, एसेट में ही तो एसेट को फाइनेंस करने की तो लोन लेता है नॉर्मली, हां ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक एसेट होता है और एक तो वर्किंग कैपिटल है ना, हाँ कोई भी आम आदमी भी लोन लेता है कोई घर खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए, पर्सनल रीजन में भी लेता है, हाँ पर्सनल रीजन में लेगा तो पर्सनल एसेट के लिए और बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट में लेगा तो बिजनेस एसेट के लिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही सिंपल कॉन्सेप्ट को ही बिजनेस में समझना है, मतलब वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको ज्यादा एनालाइज करते हैं, मतलब प्रोफेशनल जो भी हम लोग जैसे लोग थोड़ा बहुत करते हैं ज्यादा, तो ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है इसमें, मतलब अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए थोड़ा पेशेंस के साथ देखा जाए तो कोई भी एनालाइज कर सकता है, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा, तो फाइनेंस करने किस लिए करते हैं, एसेट को खरीदने के लिए करते हैं, सिंपल बात है, अब इसके लिए लोन लिया तो लोन का इंटरेस्ट भी देगा, एकदम सिंपल, लोन लेगा तो लोन का इंटरेस्ट भी देगा, अब ये इंटरेस्ट तो बिजनेस का एक्सपेंस भी हो गया ना, अब इसीलिए यहाँ पर क्या बोलता है, अब थोड़ा सा लैंग्वेज को देखिए बिजनेस आपको क्या बताता है, सो व्हाट डज इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट मीन, वेल थिंक अबाउट इट, द लोन टेकन बाय द कंपनी इज आल्सो यूज्ड टू फाइनेंस द एसेट व्हिच इन टर्न इज यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट्स, और आपका एसेट यूज करके आप बिजनेस में प्रॉफिट करोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एसेट को यूज ही, मतलब इसीलिए लोग एसेट खरीदते हैं बिजनेस में ताकि उस पर्टिकुलर एसेट से, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी लगाया आपने बिजनेस में, आपने कोई बिल्डिंग खरीदा, आपने कोई लैंड खरीदा, अब उस लैंड बिल्डिंग को आप क्यों खरीदे हो, किस पर्पस में यूज करते हो, ऑब्वियसली प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और क्या पर्पस होगा, सो इन अ सेंस द डेप्ट होल्डर, अब डेप्ट होल्डर कौन है, अरे जिसने लोन दिया, डेप्ट होल्डर मतलब सुमन, डेप्ट होल्डर का मतलब कौन है, जो लोन दिया है, ठीक है, मैं सुमन को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सुमन तुम नॉन कॉमर्स हो, दैट इज व्हाई मैं तुमको बार बार पूछ लेता हूँ, ठीक है, डेप्ट होल्डर मतलब जिन्होंने कंपनी को लोन दिया, ये लैंग्वेज आपको बहुत बार दिखेगा मार्केट में, तो इसका थोड़ा सा समझ रखना, हाँ डेप्ट होल्डर कौन है, जो कंपनी को लोन देके रखा है, इवन यहाँ पर बोल के भी रखा, देखिए एंटिटीज हु हैव गिवन लोन टू द कंपनी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंपनी, ये भी तो कंपनी का पार्ट है जो लोन दिया, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, अब इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए द इंटरेस्ट पेड, जो इंटरेस्ट पे किया गया है, इंटरेस्ट पेड आउट ऑल्सो बिलोंग्स टू स्टेक होल्डर्स, मतलब जो इंटरेस्ट चला गया वो भी तो शेयर होल्डर का ही है कंपनी का, लेकिन ये शेयर होल्डर का क्या, शेयर होल्डर क्या कर दिया, बिजनेस में लोन लिया था, अब शेयर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है, मतलब अदानी का, अदानी के बिजनेस में गौतम अदानी जितना रिस्क उठाते हैं आप भी उतना ही रिस्क उठाते हो ना, एक्स वाई जेड लाइक अस, हेलो आप बात समझ रहे हो ना, गौतम अदानी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके जितना रिस्क उठाता है प्रोपोर्शनेटली ऑब्वियसली, एक्स वाई जेड लाइक अस ऑल्सो उतना ही रिस्क उठाएगा कि नहीं उठाएगा,
प्लीज टेल मी, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो एक्स वाई जेड जो है ना, ये कंपनी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है कंपनी में, इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। और ये इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब यही होता है कि दे आर दी ट्रू ओनर। दैट मींस गौतम अदानी जितना ओनर है, आप भी उतना ओनर हो प्रोपोर्शनेट लेवल में। आप जितना शेयर होल्ड करोगे आप उतने का ओनर हो, गौतम अदानी जितना शेयर होल्ड करते हैं उतने का ओनर है। आप जब भी किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, आप उस कंपनी का उतना परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आप उस कंपनी का रखते हो। जैसे आप लोगों को पता है कि रिटेल इन्वेस्टर के परसेंटेज में आप भी एक हो, ठीक है? जैसे एलआईसी के इन्वेस्टमेंट में, एलआईसी या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के इन्वेस्टमेंट में, जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कंपनी है वो जैसे म्यूचुअल फंड है वो उस कंपनी में होल्डर बन जाता है। तो दे ऑल आर इक्विटी शेयर होल्डर। हेलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसे ओनर का पर्टिकुलर कंपनी में रिस्क है, आपका भी उतना ही रिस्क है। सुमन ओके, अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट में हाँ कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? আরে না বলছি অ্যাপেল ও যেমন হচ্ছে ওয়ারেন বাফেট 5% স্টেক নিয়ে রেখেছে, তো ও তো 5% এর ওনার। obviously না, जैसे টাইটান में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है ना इसका, वारे क्या बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला का है ना, तो वो टाइटन का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तो शेयर होल्डिंग उसके हाथ में, ठीक है? आप जिस कंपनी में, हाँ डीमार्ट में लाला कृष्ण धामानी, हाँ वो तो उसका खुद का भी बना हुआ है। तो जिस कंपनी में आप जितना शेयर होल्ड करोगे आप उतने का ओनर बनोगे। अब दैट इज द पॉइंट, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कंपनी इंटरेस्ट दे देता है ना तो अल्टीमेटली किसका चला जाता है? इंटरेस्ट जाता है तो शेयर होल्डर का ही जाता है ना। मतलब आपने बिजनेस के लिए 100 रुपीज का आपने लोन लिया था, अब जब 100 रुपीज का लोन में आपने 10% का इंटरेस्ट दिया, 100 का लोन में 10% का इंटरेस्ट, मतलब आपने 10% पे करना ही पड़ेगा आपको, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। इसका मतलब सपोज आपने 110 का प्रॉफिट किया तो 110 में से अगर आपने 10% तो इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो 110 में से अगर 10 चला गया तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, लेकिन ये तो आपका ही पैसा आपने जाने दिया ना, लेकिन देना तो पड़ेगा क्योंकि लोन है। अब इसीलिए अदानी के बिजनेस में लोग चिंता कर रहे हैं क्योंकि जब लोन रहता है वो पेमेंट करना सबसे पहले का पॉइंट आता है। मतलब कंपनी जो भी अर्न करेगा उसका सबसे पहला पैसा कौन खाएगा? जो डेब्ट होल्डर है वो खाएगा, उनका हक सबसे पहले उनका हक, दैट इज द रीजन। इसीलिए थोड़ा चिंता हो जाता है ज्यादा लोन रहने से। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आगे बढ़ते हैं। तो ऑल्सो द कंपनी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ पेइंग लेसर टैक्सेस। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी आ जाता है, जब कंपनी का लोन रहता है ना तो कंपनी का टैक्स लायबिलिटी कम हो जाते हैं, इसको ही बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड आउट, मैं इसको भी समझाऊंगा आप लोगों को, अगर आपको सर बात समझ में आ रहा है ना, अगर आपको एवरीथिंग समझ में आ रहा है तो ये भी आप समझ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड क्यों? अगर बिजनेस में लोन है तो आपका टैक्स बचेगा। यस आई एम नॉट जोकिंग, दैट इज रियली। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, लोन है, तो आपका टैक्स बचेगा। अब वो देखना पड़ेगा आप कितना टैक्स बचाते हो, बट बचेगा तो सियोर। फॉर दिस रीजन वी नीड टू एड इंटरेस्ट, इसके कारण हमें इंटरेस्ट को एड करना पड़ा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, बाय अकाउंटिंग ऑफ द टैक्स शील्ड बाय कैलकुलेटिंग आरओए। जब आरओए कैलकुलेट किया जाता है तब इंटरेस्ट क्यों एड किया जाता है, ये रहा इसका रीजन। इंटरेस्ट एड करने के पीछे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा इंटरेस्ट टैक्स शील्ड समझा दूं, फिर मैं आपको आगे का चर्चा बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जब कैलकुलेशन किया जा रहा है ना, इंटरेस्ट अमाउंट क्या बोला या फाइनेंस कॉस्ट 7 करोड़, ठीक है? मतलब ये मान लिया गया कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट दिया दैट इज 7 करोड़, मान भी लिया गया, बैलेंस शीट से ही मिला है। अकाउंटिंग फॉर दिस टैक्स शील्ड वुड बी, चलो मैं आप देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया। कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, इसके लिए हमें पीएल में देखना पड़ेगा। हाँ पीएल में देखना पड़ेगा। कंपनी ने एक्सपेंस के तौर पे, ऑब्वियसली एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस तो पीएल में देखना पड़ेगा। जब आपको एसेट लायबिलिटी देखना है तब आपको बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ये देखिए, क्या सबको दिखाई दे रहा है फाइनेंस कॉस्ट 7.18 करोड़? ये देखिए कंपनी का पीएल के एक्सपेंस में आपको उसका फाइनेंस कॉस्ट दिखेगा कि कंपनी लोन लेने के लिए 7 करोड़ का खर्चा किया है। क्या दिखाई दिया आप लोगों को, प्लीज थोड़ा बताइएगा। हेलो, क्या विजिबल हुआ आप लोगों को इंटरेस्ट 7 करोड़? हाँ विजिबल है। ओके, अब क्या है, अब ये 7 करोड़ को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। देखिए कैलकुलेशन करने के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
क्या फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी, ओके इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी, इट्स अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी। अब ये इंटरेस्ट 7 करोड़ का है और 1 माइनस टी क्यों, टैक्स ऑलमोस्ट 32% का है, ठीक है, यहाँ पर 32% का टैक्स दिया गया है, एवरेज टैक्स 30% और उसके साथ कुछ सेल्स का अमाउंट भी है कंपनी के लिए, 30% एवरेज होता है और कुछ सेल्स मिला के 32%, तो 7 into 1 minus 32 किया गया, दैट मींस अगर जब जब आप 7 crore into 1 minus 32% करते हैं या फिर 0.32 भी कर सकते हो, ठीक है, तो 7 into कितना हो जाता है, कोई मुझे थोड़ा बताए कि 1 minus 32 करने से ये 68% हो जाएगा ना, मतलब तो 7 crore का 68% कीजिए ना एक बार, 7 crore का 68% कितना होता है, मैं रीजन भी बताता हूं आपको, 4.76 मतलब मैच कर गया ना, जब आप 7 crore को 68% कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका 4.76 crore आ रहा है। अब व्हाट इज दिस 4.76, मतलब आपका यहां पर क्या हुआ कि जो 7 crore का फाइनेंस कॉस्ट था उसमें से आपको टैक्स के कारण कुछ अमाउंट आपका चला गया, ठीक है, इंटरेस्ट के कारण आपका टैक्स बच गया, ठीक है, अब आपको टैक्स कितना देना था, आपको टैक्स देना था 32%, लेकिन अभी आपको कितना टैक्स देना है, टोटल 4.76 crore का आपका इंटरेस्ट अमाउंट रहा। अब मैं आपको टैक्स शील्ड समझाता हूँ, 32% इज आवर एवरेज टैक्स रेट। अब ये 1 माइनस टी करने के पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, पहले रीजन समझा दो फिर मुझे आपको आसान रहेगा, जैसे कोई कोई जानते हैं मुझे पता है, जैसे जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई करता है दे नो, बट जो लोग नहीं करता मुझे उनको बताना पड़ेगा एक बार, जैसे पहले जो 100% होता था टैक्स का, अब वो 68% देना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, मतलब पहले क्या हो रहा था मैं वही बता रहा हूँ कि एक बार देखिए मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि बिजनेस क्या कर पाता है, बिजनेस अपना टैक्स को बचा सकता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। से फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, वहां पर वो थोड़ा ये मेथड में है, मैं आपको सिंपल मेथड में समझा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी का जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो 2 interest expenses 7 crore मान लिया मैंने, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी का टोटल इनकम चल रहा था 300 crore का, ठीक है, एक अप्रोक्स लेके चल रहा है, टोटल इनकम 300 crore का है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 7 crore का है, देखिए मैटर को, तो अगर आपका इनकम 300 crore का है और टोटल इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 7 crore का हो रहा है, तो आपका करेंट प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मतलब एक्चुअली इनकम से एक्सपेंस को हटाइए, इधर ऐसे होता है, मतलब जो भी अमाउंट इधर आता है ना, मतलब इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, थोड़ा अकाउंट है इसमें, ठीक है, आप अकाउंट्स में इतना दिमाग मत लगाइए, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि 300 करोड़ आपका इनकम है और एक्सपेंस आपका 7 crore है, जस्ट टेल मी कि 300 से 7 को माइनस कीजिए कितना होता है, 293 ना, 293 आपका नेट प्रॉफिट होता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपका टैक्स शील्ड जनरेट होगा। अब आप मुझे बताइए कि 293 में अगर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, बताइए ना कोई भी, 293 में 30%, देखिए ना कैलकुलेट कीजिए, 30% का टैक्स मैं 293 पे दे रहा हूं अभी, 87.9 लाख के आसपास, 87 करोड़ का हो रहा है ना, 87 करोड़, ठीक है, अब ये 87 करोड़ क्या है आपका, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। अब अगर आपको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आपका नहीं होता, दैट मींस अगर बिजनेस पे लोन नहीं होता, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर नहीं होता का मतलब क्या है, अगर आपके बिजनेस पे लोन नहीं रहता तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं रहता, और अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं रहता तो फिर ये अमाउंट आप माइनस नहीं कर पाते, तो फिर आपका इनकम कितना हो जाता, 300 करोड़ हो जाता, तो फिर 300 करोड़ पे आप कितना टैक्स दे देते, 30% करके 90 करोड़ का, तो इसमें अपना आपने कितना टैक्स सेव कर लिया, 3 करोड़। बात कुछ समझ में आया आप लोगों को, आपका एक्चुअल टैक्स हो जाता 90 करोड़, बट आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए आपने 3 करोड़ का टैक्स मतलब बचा लिया, टैक्स शील्ड के कारण आपका इंटरेस्ट था इसलिए 90 करोड़ से 87 हटाइए तो अल्टीमेटली आपके 3 करोड़ सेविंग्स है। ये बात आप लोगों को समझ में आया, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स शील्ड।
इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, मतलब इंटरेस्ट हमारा टैक्स को थोड़ा शील्ड देता है, ठीक है, जिसके कारण मेरा टैक्स थोड़ा सेव हो जाता है। तो बिजनेस में लोन रहना इट्स नॉट अ बैड थिंग ऑलवेज, ठीक है, एक रीजनेबल लेवल का लोन रहना बिजनेस के लिए अच्छा बात होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जो पूरा खेल हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसी के कॉन्सेप्ट में, मतलब जब आपका इंटरेस्ट के कारण आपका जो टैक्स का इंपैक्ट आ रहा है ना, उसी इंपैक्ट को यहाँ पर दिखाया गया। तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट अमाउंट फाइनेंस कॉस्ट 7 करोड़ रहा था, अकाउंटिंग फॉर द टैक्स शील्ड इट वुड बी, मतलब टैक्स शील्ड के कारण आपका अल्टीमेटली इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ जा रहा है 4.76। अब प्लीज नोट 32% इज एवरेज टैक्स रेट, तो फिर आपका अल्टीमेटली आरओए क्या हो जाएगा, आपका नेट इनकम, ठीक है, आरओए का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम 367.4, 4.76 का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 19.1955, दैट इज आपका एवरेज एसेट, दिस इज योर एवरेज एसेट। अल्टीमेटली अगर आप इसको इनटू 100 करते हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम में बिजनेस ने कितना रिटर्न ऑन एसेट कमाया, 19.03%। मतलब बिजनेस का जितना, अगर 100 रुपये का टोटल एसेट बिजनेस में लगाया था तो उसमें से 19 रुपीज कमा लिया, 100 रुपये का अगर एसेट था तो उसमें से 19 रुपीज कमा लिया। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, अगर 19 की जगह 25 हो तो और बढ़िया। जैसे ये मैंने आपको एमरन बैटरीज का दिखाया ना, अब आप घर में होमवर्क कीजिए ना, आप घर में होमवर्क कीजिए, एक्साइड बैटरीज ले लीजिए सिमिलर इंडस्ट्री पे, आप देखिए ना कि सिमिलर सेम टू, ये 2014 का मैंने आपको बताया, आप एक्साइड का भी 2014 ले लीजिए, या फिर आप दोनों का 2019-20 निकालिए और दोनों कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स का कैलकुलेशन कीजिए, कंपेयर करने से ज्यादा मजा आता है, कंपेयर करने से ज्यादा मजा आता है। बोलिए, बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? टैक्स शील्ड क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला तो ये एज पर रेशियो एनालिसिस के सिस्टम से, एज पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से ये होता है, लेकिन क्यों टैक्स रेट को माइनस किया जाता है, ये उसका रीजन भी था। बोलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में? ऐसे देखिए, फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि देखिए, ये तो मैं नोट तो मैं शेयर कर दिया आप लोगों से, आप कभी भी चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का, कि आप जो भी आप मनी कंट्रोल ओपन करो उसमें आप बहुत सारा फंडामेंटल देखोगे, मैं वही बहुत सारा फंडामेंटल के बारे में एक एक करके ही आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स था, किसी को कोई डाउट है? हेलो, बोलिए कि रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे फाइंड आउट करना है आपको, इसके लिए पीएल बैलेंस शीट को थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जो मैंने पहले क्लास करवाया पीएल बैलेंस शीट का, जिन लोगों का नहीं हुआ वो बाद में पीएल बैलेंस शीट फिर से करेगा, बट आई मस्ट से कि पीएल बैलेंस शीट का चर्चा जितना बढ़ाएंगे आप कंपनी का, किसी भी कंपनी का, किसी भी ईयर का आप डेटा कैलकुलेट कर सकते। शंकर जी, क्लियर है ना पॉइंट? हाँ क्लियर। सुमन, सुमन बोलो। हेलो ज्योति, रोशनी, आप लोग, प्रिया बोलो सर, क्लियर आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? सुमित, हाँ दादा। तुरुण बाबू, तुरुण बाबू आछेन नाकि, बोझा যাচ্ছে কি একটু একটু? হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা কিছুটা? হ্যাঁ, এত এত কিছু বুঝিনি, ব্যাপারটা বুঝিনি, ব্যাপারটা বুঝলেই হবে আপাতত, ভেতরে বেশি না ঢুকলেও চলবে, বাস আপাতত। অ্যাকচুয়ালি ওই ক্লাস একটু মিস হয়ে গেলে তখন আমি কানেক্ট করতে একটু অসুবিধায় পড়ে যাই, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি এগুলো যদি একটু আগে 2-3টে ক্লাস দেখে নেন না, পুরো ব্যাপারটাই বুঝে যাবেন, একদমই আউট অফ ওয়ার্ল্ড। আচ্ছা, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इटा भी तो पूछे नहीं आ जाए। तो अल्टीमेटली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट मींस कंपनी ने जितना कैपिटल मार्केट में डाला उसके हिसाब से कंपनी कितना रिटर्न कमा रहा है, सिंपल बात है। अगर मैं सिंपल आपको पूछूं व्हाट इज आरओसी, जितना कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या, बिजनेस का पूंजी, ठीक है, मतलब जो पूंजी लेके वो मार्केट में आया है उसके ऊपर वो कितना रिटर्न कमा रहा है। अब जब भी पीयर कंपेयर करेंगे ना तो आपको और मजा आएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, आप अमेरन के साथ एक साइड को कंपेयर कीजिए, मतलब रिलेटेड इंडस्ट्री है, आप पोर्ट बिजनेस में पोर्ट के हिसाब से कंपेयर कीजिए, अगर आप जो भी इंडस्ट्री में, आप इंफोसिस के साथ टीसीएस का कंपेयर कीजिए, आप जो भी बिजनेस का कंपेयर करेंगे आरओसी आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके आपको जो ज्यादा बेनिफिटेड लगेगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ये मेन पर्पस है। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए देखिए मार्केट में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बट सही गलत कैसे पहचानेंगे आप, इसके लिए आपको भी बैलेंस शीट करना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो टीवी में हजारों लोग सारा दिन हर एक कंपनी का प्रमोशन करता है, लेकिन कौन सा कंपनी सच में सही बोल रहा है और कौन सा कंपनी के बारे में वो सच में गलत बोल रहा है, इसका समझ कैसे आएगा, ठीक है? क्योंकि कंपनी तो प्रमोट करेगा ही अपने आप को कि भाई मेरा शेयर लोग खरीदे, ठीक है, लेकिन प्रमोट के पीछे अगर कोई गलत चीज छुपा हुआ है उसको रेक्टिफाई करने का या फिर उसको जज करने का एक कुछ तो ताकत होना चाहिए। तो इसीलिए फंडामेंटल का नॉलेज रहना इट्स
मतलब अच्छा होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ओवरऑल कैपिटल इट एम्प्लॉयड. जितना टोटल मार्केट कैपिटल ये एम्प्लॉय कर रहा है उसके हिसाब से उसका रिटर्न कितना है. ओवरऑल कैपिटल का मतलब क्या होता है, दो तरह का कैपिटल होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट. अगर अभी इक्विटी डेब्ट समझेंगे तो म्यूचुअल फंड में भी ना आप दोनों चीज समझेंगे. म्यूचुअल फंड में दो कॉन्सेप्ट चलता है, एक हाँ सुमित बोल, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और हेलो ये डेब्ट ओरिएंटेड फंड, डेब्ट ओरिएंटेड फंड हाँ, और एक होता है हाइब्रिड, है ना. हाँ एक्चुअली ना म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है. म्यूचुअल फंड जिसको स्टॉक मार्केट समझ में आएगा वो म्यूचुअल फंड समझ जाएगा, जिसको स्टॉक मार्केट समझ आएगा वो म्यूचुअल फंड समझ जाएगा. बट हाँ म्यूचुअल फंड के साथ मतलब इक्विटी के साथ साथ थोड़ा डेब्ट मार्केट का भी अगर थोड़ा नॉलेज ले लिया जाए ना तो मजा आ जाए. ठीक है, लेकिन सवाल है कि आगे बात करूंगा दो मिनट बाद ही आता हूँ. लेकिन पॉइंट इज दैट जो इक्विटी और डेब्ट ये क्या है. अब म्यूचुअल फंड के हिसाब से किसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड, डेब्ट ओरिएंटेड फंड, हाइब्रिड फंड बोलते हैं, मैं उसमें बात करूंगा आगे. लेकिन पॉइंट इज दैट ये जो इक्विटी और डेब्ट है ये क्या है. That means company का own और loan, company का own capital और loan capital. Own capital मतलब जो company घर से लाया, हाँ obviously घर से लाया, और हम लोग जो invest कर रहे हैं वो भी own ही है. आपको बोला ना हमारा investment company के लिए खुद का investment है. मतलब अदानी अपने business में जो investment किया वो भी उसका जितना अपना है, अगर आप अदानी का business में investment किया तो वो भी उसका उतना ही अपना है. ठीक है, equity का मतलब ही होता है true owner. ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे नहीं मैं तो बाहर का लोग हूँ, नहीं, अकाउंटिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल पैटर्न आपको बाहर का नहीं मानता है, आपको खुद का मानता है. इसीलिए इक्विटी को रिटर्न देना मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी. अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा, मोर प्रॉफिट, तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ नहीं तो कुछ मत डिस्ट्रीब्यूट करो. लॉस है तो लॉस ही भुगतो. अगर लॉस करता है कंपनी तो इक्विटी वाले को तो भुगतना ही पड़ेगा, दे मस्ट सफर. और अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो सबसे ज्यादा मजा वही उठाएगा. जब बिजनेस प्रॉफिट करता है तो सबसे ज्यादा मजा इक्विटी शेयर होल्डर को ही होता है, और जब बिजनेस लॉस करता है तो सबसे ज्यादा मतलब मुश्किल इक्विटी को ही होता है. इसीलिए हम बोलते हैं मार्केट टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दैट इज द रीजन. यही रीजन है, बिकॉज ये इक्विटी का नेचर है. लेकिन डेब्ट का नेचर ये नहीं होता, डेब्ट का नेचर ये नहीं होता. अगर आप कंपनी को डिवेंचर देते हो, अगर आप कंपनी को बॉन्ड देते हो, मतलब कंपनी इशू किया, आपने खरीद लिया, कंपनी ने इशू किया और आपने खरीद लिया. और ऐसे जो लोग डिबेंचर बॉन्ड्स नहीं समझता, इक्विटी नहीं समझता, तो उसको क्या बोला जाता है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, बिकॉज आपके बदल में कौन समझेगा, कंपनी समझेगा, दैट इज वाई म्यूचुअल फंड. बस यही रीजन है. अब अल्टीमेटली बात वही हो गया ना, इक्विटी को समझना है, डेब्ट को समझना है. अब डेब्ट का केस क्या है, जैसे आप लोगों को मैंने अभी दो मिनट पहले समझाया कि डेब्ट का इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए मैंडेटरी है. डेब्ट का इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है. आप लोगों को मैंने पोएट्री सिखाया था, अगर आप लोग लास्ट क्लास याद करोगे, आप लोगों को याद होगा मैं पोएट्री सिखाता, एक फाइनेंस का पोएट्री. इस फाइनेंस की पोएट्री में मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत बार ऐसे में क्लास में डिस्कस करता रहता हूँ, कि सबसे पहले सेल्स होता है, फिर वहां से वेरिएबल कॉस्ट जाता है, फिर उसके बाद ईबीआईटी मिलता है. याद आ रहा है? हाँ रोशनी, ये सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट. हाँ ये तो मतलब अभी तो ऐसा लगेगा कि मुंह जबानी याद हो जाएगा, ईबीआईटी पीबीटी ईबीटी मुंह जबानी याद आ जाएगा भैया ये मतलब है इसका. तो अल्टीमेटली वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल मतलब अगर करें कि कंपनी का कितना इक्विटी है और कंपनी का कितना डेब्ट है, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, याद रखिएगा. हाँ अब इसका डेटा कहाँ मिलेगा, अगेन बैलेंस शीट में जाएंगे तो मिल जाएगा ना, बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये भी मिल जाएगा. नाउ कैलकुलेट आरओसीई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, पीबीआईटी. शंकर जी देखिए फिर से फाइनेंस आ गया, शंकर जी फिर से आ गया फाइनेंस. हाँ ये बार बार ये पीछा नहीं छोड़ेगा, फंडामेंटल मैंने ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पीछा नहीं छोड़ता है, ये हर जगह में आ जाएगा. मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ ये पीबीआईटी क्या है, देख लीजिए सुमन, देखना एक बार सुमन का हमारा आवाज आ, सुमन सुमन हमारा आवाज पाच छो. ओके
अच्छा, तो किसी भी बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बिजनेस का सेल्स है। बिजनेस चल रहा है, इसका प्रूफ कहां से मिलता है कि बिजनेस सेल कर रहा है? अगर सेल है तो बिजनेस है, सेल नहीं तो बिजनेस नहीं। सेल से क्या लेस करना पड़ेगा? बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंसेस, जिसको वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, मैं जस्ट एक बार याद दिला रहा हूँ कि ईबीआईटी कैसे मिलता है। सेल से वेरिएबल कॉस्ट गया तो क्या मिलेगा रोशनी, बोलो ना एक बार। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। थैंक यू, कंट्रीब्यूशन। एक बार मैं याद दिला रहा हूँ बस, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करना चाहिए? फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंपनी अपना जो फिक्स एक्सपेंसेस है, जैसे कि डिप्रिसिएशन वगैरह का एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंस लेस करते हैं तो कंपनी को जो मिलता है उसको बोलते हैं ईबीआईटी। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब अभी तक कंपनी ने लोन का पैसा नहीं चुकाया, लोन का इंटरेस्ट रिपे नहीं किया और सरकार को टैक्स नहीं दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पॉइंट को, मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो प्रॉफिट है। दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज अ प्रॉफिट, बट दिस इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉफिट इज दिस? दिस इज दैट टाइप ऑफ प्रॉफिट जिसमें कंपनी ने अभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया। मतलब कंपनी का जो दो बड़ा ऑब्लिगेशन, कंपनी का टू बिग ऑब्लिगेशन होता है, एक आप लोन का इंटरेस्ट चुकता करो फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग सरकार का टैक्स पे करो। लेकिन सरकार के टैक्स में पहले इंटरेस्ट दो, इसीलिए ईबीआईटी से नेक्स्ट क्या एक्सपेंस लेस करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? ईबीटी और पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको भी वही बोलते हैं पीबीआईटी और ईबीआईटी। याद रखिएगा, मार्केट में ये सब खबर होता है, मार्केट में ये सब न्यूज होता है, इसलिए आप देख के पहचान जाइए कि अच्छा ईबीआईटी पीबीआईटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अच्छा इसका वो प्रॉफिट का बात कर रहा है जिसमें इंटरेस्ट टैक्स अभी तक नहीं भरा है। उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब लोन का इंटरेस्ट दे दो कंपनी, फिर कंपनी के पास बचेगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एक्सपेंस देने के बाद ये मिला, अब इससे क्या देना पड़ेगा? हाँ प्रिया बोलो, टैक्स। टैक्स, थैंक यू। अब ईबीटी से टैक्स दीजिए सरकार को, जो टैक्स का अमाउंट है भर दीजिए, फिर आपके पास क्या बचेगा? पैट और ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से अगर कंपनी के पास, इफ हर ऑल टाइम नहीं होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो रहेगा अर्निंग फॉर इक्विटी। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो भी रहेगा दैट इज कॉल्ड अर्निंग फॉर इक्विटी, और इस अर्निंग फॉर इक्विटी को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, मतलब जितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास होगा उतना नंबर ऑफ शेयर के बीच में डिवाइड कर देगा, तो कंपनी को क्या पता चल जाएगा? अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। मैक्सिमम लोग ईपीएस के पीछे भागते हैं मार्केट में, आप किसी भी कंपनी का देखिए, मनी कंट्रोल ढूंढिए, आपको ईपीएस के पीछे सभी कोई भागेगा, अच्छा इसका ईपीएस अच्छा है तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप किसी भी कंपनी का ढूंढिए, रिलायंस का देख लीजिए, किसी भी कंपनी का आप जस्ट देखिए, ईपीएस के पीछे बहुत लोग भागता है। मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि ईपीएस का, अब ये तो बस ओवर मतलब जस्ट ओवरव्यू डिस्कशन किया मैंने, लेकिन मैं आपको इसका ईपीएस के बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा। रिलायंस, जस्ट अ मिनट, की फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर एक मेरा हेडिंग ही रखता है मनी कंट्रोल, और आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको रिलायंस का बेसिक ईपीएस दिख रहा है, प्लीज चेक इट, की फाइनेंशियल रेशियोज में बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, कैश ईपीएस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? है दादा, अब ये डिटेल चर्चा करूंगा मैं बाद में, बेसिक ईपीएस क्या है, डाइल्यूटेड क्या है, कैश ईपीएस क्या है, आई विल डिस्कस। ठीक है, आप देख सकते हो एक चीज, आप देखो कि मार्च 20 से मार्च 21 का ईपीएस इंक्रीज हुआ है। अगर आप पुराना देखो, मार्च 17 में ईपीएस और हाई फाई था। ठीक है, तो ये ईपीएस कम होना, ज्यादा होना, क्या रीजन चलता है इसके पीछे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन करेंटली मैं ईपीएस में डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, माय करंट डिस्कशन इज नॉट ईपीएस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो भी आप लोगों को सिखा रहा था वो देखिए, पीबीडीआईटी, पीबीआईटी, पीबीटी दिख रहे हैं सर, सभी कुछ है यहाँ पर। अल्टीमेटली इस तरह से ही कंपनी अपना डेटा देते हैं, और इसी डेटा को हम लोग ट्रैक करके कंपनी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर, कि किधर जा सकता है और किधर नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग आ गए उसी जगह में कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या चाहिए, पीबीआईटी चाहिए, किसका, एमरन मेट्री का, ठीक है। तो कहां मिलेगा पीबीआईटी, शॉर्ट टर्म डेब्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी, ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब देखिए, ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी का शॉर्ट टर्म में कुछ लोन है, कंपनी का लॉन्ग टर्म में कुछ लोन है, प्लस कंपनी का इक्विटी में कितना अमाउंट है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। अब शायद आपके मन में सवाल चल सकता है कि इसमें डेब्ट और इक्विटी एक कैसे कर दिए, इसलिए हुआ बिकॉज आपने जो डेब्ट लिया वो आपका बेसिकली लोन है और जो आपका इक्विटी है दैट इज आपका ओन है, लोन प्लस ओन दोनों मिला के ही तो आपके बिजनेस का कैपिटल, प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आया, लोन प्लस ओन मतलब जो आपने बैंक से उठाया या फिर आपने किसी से डिवेंचर लिया, ठीक है, जैसे बहुत रिसेंट ट्रेंड में बहुत कंपनीज डिवेंचर के थ्रू से पैसा उठा रहे हैं, आप लोगों को खबर मिला होगा, मैं फिर भी आपको एक बार दिखा रहा हूँ, जैसे रिसेंटली येस बैंक ने, खबर है आप लोगों के पास, 10,000 करोड़ का येस बैंक मार्केट से लोन उठा रहे हैं, बॉन्ड उठा रहे हैं, खबर है आप लोगों के पास, सुमित देखिए जिस खबर का, मुझे पता है, ये देखिए येस बैंक ऑन डेब्ट रेजिंग टू शोर अप बैलेंस शीट, ठीक है, अपना बैलेंस शीट को थोड़ा तगड़ा दिखाना चाहता है, इसलिए येस बैंक ने डेब्ट रेज किया, डेब्ट मतलब लोन रेज किया, वही खबर मार्केट में आया, 10,000 करोड़ का कुछ हिसाब किताब है, देखिए यहाँ पर Yes Bank on Thursday received a board approval to raise funds worth rupees 10,000 crore by issuing debt security. That is debenture. ठीक है? अभी loss तो इसका चलेगा इस business का, लेकिन धीरे-धीरे recover कर रहा है। State Bank of India का भी काफी सारा holding है इसके पास अभी भी। मैं अभी Yes Bank में बात नहीं करूँगा। फिर मैं Yes Bank के अंदर चला जाऊँगा। मैं बस आपको debt को समझाने के लिए बोला कि ये इस तरह से company debt raise करता है। तो debt का मतलब है loan, ठीक है? और equity का मतलब है equity share जो हम लोग देते हैं, ठीक है? तो अगर एमरन बैटरीज के बैलेंस शीट में या एनुअल रिपोर्ट में जाए तो क्या देखते हैं, देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 537.7 करोड़, कैसे मिल गया, चलिए देख लेते हैं, पीबीआईटी 537.7 करोड़, क्या सबको दिखाई दे रहा है, है ना दादा, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स 5405, ये एक्सेप्शनल आइटम को थोड़ा हटाया गया, ठीक है, तो पीबीआईटी पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दिया आप लोगों को 5366.7 दैट इज 537 करोड़ दिखा ना सबको, तो अल्टीमेटली हमें पता चला कि कंपनी का पीबीआईटी कितना है और हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का डेटा चाहिए, बैलेंस शीट में चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का डेटा के लिए बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में शेयर देख लीजिए, शेयर कैपिटल का डेटा चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शेयर कैपिटल देख लीजिए, शेयर कैपिटल, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, चलिए देखते हैं सारे के सारे डिटेल्स हम लोगों को मिल गया, देखिए शॉर्ट टर्म डेब्ट कितना है कंपनी का, वहां पर एक मिलियन में था, ये सब करोड़ में दिया है, देखिए शॉर्ट टर्म डेब्ट 8.3 करोड़ का, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब वन ईयर के अंदर पे करना पड़ेगा, वन ईयर के अंदर पे करना पड़ेगा, मतलब एक मतलब अप्रॉक्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 75.9 करोड़, मतलब मोर देन ईयर, एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी है 1362 करोड़ का टोटल, तो अल्टीमेटली जब आप तीनों को टोटल करते हैं तो ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 8.33 75.9 एंड 1362 एक बार मैच कर लीजिए तो 1360 एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मैच किया, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कंपनी का जो पुराना प्रॉफिट है वो भी तो कैपिटल में ऐड होगा, मतलब सिंपल बात है, रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों ऐड किया गया आपके मन में चल सकता है, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी का करंट कैपिटल है और ये कंपनी का पुराना प्रॉफिट है, इसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलता है, क्यों, बिकॉज सिंपल बात है, से फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 लेके बिजनेस करना चालू किया और आपने अपने बिजनेस में से 10% का प्रॉफिट किया, प्लीज टेल मी अगर आपने आपके घर के घर को चलाने के लिए अभी कुछ खर्चा बिजनेस से लेना नहीं चाहते तो 10,000 में से अगर आप 10% का प्रॉफिट करते हो तो कितने का प्रॉफिट होगा सुमित, कोई भी बताओ, मोहितोस बोल, 10,000 में से 10% प्रॉफिट मतलब कितना, हजार, थाउजेंड, तो ये 1,000 तुम्हारा प्रॉफिट है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप अपने घर के लिए कुछ लेके नहीं जा रहे हो, तो ये 1,000 को आप क्या करोगे, हाँ बोलिए,
रिजर्व में रख लेंगे और एक्चुअली कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा, सिंपल बात है। ये जो मेरा प्रॉफिट है ये मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा, इसीलिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपका प्रॉफिट दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे और शेयर कैपिटल जो आपने करेंट लेवल में कैपिटल के हिसाब से रखा है बिजनेस में, मतलब जो इक्विटी कैपिटल है बेसिकली, ठीक है, आपने खुद से बिजनेस में डाला है, पुराना प्रॉफिट और करेंट कैपिटल दोनों ऐड हो जाएगा, पुराना मतलब करेंट कैपिटल एंड पुराना प्रॉफिट जो आपने पहले कमा के रखा, तो ये दोनों ऐड करके आपका टोटल शेयर होल्डर्स फंड दैट इज 13,627 मिलियन, उसको अगर आप करोड़ में ट्रांसफर करते हो तो करीब 1362 करोड़ का आपका टोटल होता है। तो जब आप ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हो तो 8.3, 75.9 and 1362 ठीक है, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। 100 डाल के 37, 100 कैपिटल डाल के 37 आपने कमाया, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, यस और नो? लेकिन ये कितना गुड है इसके लिए आपको पीयर कंपैरिजन करना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, रेलिवेंट इंडस्ट्री के साथ जाइए, जैसे अमेरन का सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर कौन है, एक साइड है, आप जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज योर होमवर्क, कि आप अपने घर में प्लीज एक्साइड का एनुअल रिपोर्ट निकालिए, जैसे ये 2014 का डेटा चेक कर रहा हूँ, आप भी एक्साइड का 2014 चेक कीजिए, या फिर आप 2019-20 जो लेटेस्ट है या 2020-21 आप दोनों का चेक कीजिए और मुझे बताइए, ग्रुप में डिस्कशंस कीजिए कि हम लोगों ने घर पे चेक किया और चेक करके हमें ये डेटा मिला। अब ज्यादा मत जाइए, जितना क्लास में कर रहा हूँ आप उतना कीजिए, देखिएगा धीरे 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 आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो गया, मैं एकदम भी बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली अगर जितना क्लास में हो रहा है धीरे धीरे ही बात होता है, डिटेल्स में करता हूँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ही रेगुलर बेसिस में चर्चा करते रहेंगे ना, एक्चुअली वॉरेन बफेट इसीलिए वॉरेन बफेट बना है, अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं बोल रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ जाएंगे, वॉरेन बफेट 88 ईयर्स ओल्ड करेंटली अभी भी डेली 1500 पेजेस पढ़ लेता है। अब हो सकता है हम लोग वॉरेन बफेट ना बन पाए, कम से कम 10 पेज तो पढ़ सकते हैं, 10 पेज नहीं छोड़िए 5 पेज ही डेली पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत है, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस का बात है और डे टू डे थोड़ा धीरे 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 इंप्रूव करने का बात है। मार्केट में जान बहुत है, सेंसेक्स निफ्टी, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट में बहुत जान है, आप अगर इसको विश्वास करेंगे तभी विश्वास कर पाएंगे, आपका बिलीफ सिस्टम तभी आएगा जब इसको आप अंदर से समझ पाएंगे। तो ये सब एक्चुअल में क्या है, अंदर से समझने का एक तरीका। बोलिए, एनी डाउट इन ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ में आया आप लोगों को? हेलो शंकर जी, बोलिए क्लियर है कि नहीं है? हेलो हाँ तरुण बाबू बोलून। বলি তাহলে মূল বিষয় আজকে যেটা হলো, আমরা দেখব যে কোনো একটা কোম্পানির তার ইন্টারেস্ট মানে লোন কত নেওয়া আছে, লোন যার যত কম দেওয়া কম যত থাকবে সেই কোম্পানির আর্নিং বা প্রফিটটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, যেহেতু লোন মানে ইন্টারেস্ট তার কম দিতে হচ্ছে পে করতে। না এক্স্যাক্ট ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না, ওটা ডিপেন্ড করছে কিন্তু বিজনেস সাইজের উপরে, বিজনেস কা সাইজ ভি ডিপেন্ড করতা হ্যায়। लोन कम रहेगा, दैट इज नॉट ऑलवेज, लोन के साथ साथ आपका एसेट भी आप चेक कीजिए, अगर आपका एसेट भी उतना है तो उसको भी तो चेक करना चाहिए। लेकिन अगर एसेट से ज्यादा लोन है, मतलब तो जितना आपका एसेट का वैल्यू है उससे ज्यादा लोन है आपका, देन दैट इज बैड। যেটা এখন আদানি পোর্টের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা দেখা যায়। হ্যাঁ সেটা আদানি পোর্টের ক্ষেত্রে, কিন্তু আদানির কাছে অ্যাসেটসও আছে, লোন বার্ডেনটা বেশি বাট অ্যাসেটও অনেক আছে ওর কাছে, এটা একটা মেইন ফ্যাক্ট। প্লাস ওর বিজনেস একটা প্রসপেক্ট আছে, সেই জন্য লোন নেই লেগা তো বিজনেস কো গ্রোথ ভি নেই মিলেগা, ইয়ে ভি তো দেখনা হ্যায়। লোন ইজ অলসো ইকুয়ালস টু গ্রোথ। আব দেখো ইকুইটি অলওয়েজ নেই মিলতা হ্যায়, অর ইকুইটি মে কিয়া হ্যায় না, आपको अगर आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकते हो तो शेयर होल्डर निकलना चाहता है। अब लोन के केस में क्या है ना, अगर आप बैंक को एसेट शो कर पाते हो तो बैंक आपको इजीली लोन दे देता है, और व्हाट इज दैट इज गुड फॉर द कंपनीज ग्रोथ, ग्रोथ के लिए लोन जरूरी होता है। बट लोन कितना है, लोन का बर्डन कंपनी कितना सहन कर पा रहा है, मतलब कितना, मतलब उसके पास कितना क्वालिटी है उस लोन को सहन करने का, ये भी एक पॉइंट है।
আশা করছি তরুণ বাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। লোন কম থাকলেই ভালো বা লোন লোন বেশি থাকলে খারাপ, ব্যাপারটা কিন্তু এরকমটা নয়। কিন্তু আর অ্যাসেটটা দেখতে হবে এবং অ্যাসেটটা কতটা ফাংশনাল। হ্যাঁ সেটা সেটা কি করে বুঝবেন রিটার্ন অন রিটার্ন। হ্যাঁ অ্যাসেট আছে কিন্তু সেটা আবার কতটা ইউটিলাইজ করতে পারছে সেটাও তো দেখতে হবে। এই তো ওটা জন্যই তো রিটার্ন অন অ্যাসেট, রিটার্ন অন অ্যাসেট আছে এই জন্যই তো রিটার্ন অন অ্যাসেটটা দেখবেন। অ্যাসেটটা অ্যাসেট কিতনা ফাংশনাল হ্যায়, মতলব তরুণ বাবু খুব ভালো কোশ্চেনটা করলেন কি অ্যাসেট কিতনা ফাংশনাল হ্যায়। আই হোপ জ্যোতি সমঝ মে আ রহা হ্যায় আপকো কি অ্যাসেট কিতনা ফাংশনাল হ্যায়, ইসকে লিয়ে আপকো রিটার্ন অন অ্যাসেট দেখনা হ্যায়। अब आप करेंट ईयर दैट इज 1670 सपोज आप 1920 में चेक कर रहे हो, ठीक है। अब उससे पिछला तीन चार साल आप चेक कीजिए, 1617 देखिए, 1718 देखिए, ट्रेंड देखिए कंपनी का, ठीक। जैसे टेक्निकल में ट्रेंड देखा जाता है यहाँ पर भी ट्रेंड देख सकते हो, बट ये थोड़ा फंडामेंटल का ट्रेंड, दिस इज अ फंडामेंटल ट्रेंड। মানে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মতো আমার 10 লাখ টাকা আছে কিন্তু আমি শুধু সেভিংস অ্যাকাউন্টে রেখে দিয়েছি। এক্স্যাক্টলি আমার সেটা ফাংশনাল নয়। এক্স্যাক্টলি অনেক লোকের, হ্যাঁ অনেক লোকের কাছে প্রচুর জমি আছে কিন্তু জমিটা পড়ে আছে, এরকম প্রচুর লোক দেখতে পাই আমরা। ল্যান্ড প্রচুর প্রচুর, देयर আর লটস অফ প্রপার্টি, লটস অফ ল্যান্ড, বাট নো ইউজ অফ দ্যাট প্রপার্টি অর নো ইউজ অফ দ্যাট ল্যান্ড। সো ইন দ্যাট কেস কোম্পানি ইজ নট গুড। আই হোপ কি ক্লিয়ার হয়। সুমনের আওয়াজ পাচ্ছি না, সুমন ব্যাপারটা বোঝা গেল কি? সুমন একটু নন কমার্স, এই জন্য আমি সুমনকে নিয়ে একটু চিন্তায় থাকি সুমন বুঝতে পারলো কিনা, কিন্তু মনে হচ্ছে আজকে সুমনের খুব নেটওয়ার্ক ইস্যু। শঙ্করজি বলুন, বোঝা গেছে না? প্রিয়া মহিতোষ বোঝা গেছে? সুমিত বলো। আচ্ছা আচ্ছা, আব এক পয়েন্ট আর ও এ আর ও এ আর ও ই টু পয়েন্ট আর ও সি অল থিংস আর ইন্টাররিলেটেড, অল all these were the things are interrelated, মানে exactly হ্যাঁ everything interrelated, roce ঠিক আছে, মানে everything is interrelated, roce roa return on equity, ঠিক আছে, everything each and everything is interrelated because everything is from balance sheet, everything is from pl, so everything is interrelated. That is reflected in eps, that is reflected in eps, that will reflect in eps, everything interrelated. একটু previous class গুলো করলে আপনার একটু সুবিধা হয়ে যাবে, মানে পুরো কানেকশন হয়ে যাবে, একটু আগে দু তিনটে ক্লাস করলেই কানেকশন হয়ে যাবে। ওকে ট্যাক্সটা একটু বলে দিই শঙ্করজি। হ্যাঁ ট্যাক্সটা, ওকে আচ্ছা, আজ থোড়া ফান্ডামেন্টাল মে মানে মতলব হার্ডকোর পার্ট সে থোড়া সা মানে থোড়া সা আজ কে লিয়ে থোড়া সা মানে ইসকো রাখতা হুম আর ফির মে ক্যা কর রহা হুম থোড়া ট্যাক্স পার্ট মে বাত করুঙ্গা। ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है शंकर जी तरुण बाबू स्पेशल रिक्वेस्ट है कि टैक्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में बात करूंगा। ओके मोहितोष सो ने टू टैक्स टाव सुनने ताले, ठीक है जी। ओके चलो, तो बेसिकली जब मैं टैक्स के बारे में बात करूंगा तो दिस इज जो लोग इनकम टैक्स पढ़ते हो, प्रिया प्रिया रोशनी जो लोग इनकम टैक्स का पढ़ाई भी कर रहे हो उनको बहुत इजी लगेगा बिकॉज कैपिटल गेन है, बट तो वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज एक्चुअली कैपिटल गेन, समझ रहे हैं रोशनी? इट एक्चुअली हां दादा कैपिटल गेन। ओके तो अगर द पॉइंट इज दैट मैं थोड़ा सा खट गया, हां मेन पार्ट मतलब मेन जो हार्डकोर एरिया था वहां से मैं थोड़ा सा अपने आप को हटाया वहां से, और अभी मैं आपको थोड़ा टैक्स रिलेटेड पॉइंट में बात करूंगा बिकॉज ये लास्ट वीक भी होने का बात था बट मैं नहीं कर पाया, तो मैं आज बता देता हूँ थोड़ा सा। आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा फटाफट बताऊंगा और नेक्स्ट दिन मैं आपको इक्विटी शेयर के बारे में, ठीक है। ऐसे इक्विटी शेयर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बट कुछ स्पेशल पॉइंट वहां पर भी है, बट मैं थोड़ा आज म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हो, ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हो, म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हो और फिर उसको सेल करते हो, तो आपका टैक्स इम्प्लीकेशन कब क्यों किस तरह से होता है और वो भी फंड के ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीन सबको शेयर है ना? हेलो, क्योंकि मेरे यहाँ पर स्क्रीन शेयर दिख नहीं रहा है। हाँ शेयर। ओके। तो व्हाट इज दिस म्यूचुअल फंड टैक्सेशन एंड हाउ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड? सिंपल बात है, म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट बजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज दे हेल्प यू टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स दैट वी ऑल नो, एंड म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, यस दैट इज ऑल्सो टैक्स एफिशिएंट। There are lots of mutual funds which are tax savings also. So, उसमें भी बात करूंगा बाद में। Investing in fixed deposit is a great disadvantage. आप अगर FD में पैसा रखते हो तो उसमें main problem है कि उसमें आपका
फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका इन्फ्लेशन ही बीट नहीं करता, ठीक है, मैं अभी एफडी में ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा. Particularly if you fall under the highest income tax bracket, as the interest is added to your taxable income and taxed at your income tax level. That means हम लोग जो fixed deposit से income करते हैं ना, वो fixed deposit का interest rate जो भी earning होता है, वो मेरा tax bracket में add हो जाता है. Now what is the tax bracket? थोड़ा सा मैं tax bracket के बारे में दो बात आपसे कर सकता हूँ, दो बात आप लोगों से मैं tax bracket के बारे में कर सकता हूँ. एक बार मैं tax bracket बता ही दूँ, जो लोग जानते हैं, I know बहुत लोगों को idea है tax bracket के बारे में, but फिर भी इस पर्टिकुलर डिस्कशन के साथ टैक्स ब्रैकेट करना एक बहुत बड़ा कनेक्शन है. तो एक है आपका 115 बीएसई, मैं 115 बीएसई में अभी नहीं बात करूंगा. 115 बीएसई जो न्यू टैक्स लैब 2020 से चालू हुआ है ना, 115 बीएसई ये एक सेक्शन है जो न्यू है, बट इसमें आपको ऑलमोस्ट 70-80 डिडक्शन नहीं मिलेगा. हाँ सुबह, इसमें 70-80 डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना, इट्स अ न्यू তারা পাবে, কিন্তু নতুন যাদের স্কিমে আছে সেটা পাবে না. হ্যাঁ, ইটস এ নিউ স্কিম, মানে নিউ স্কিম মে আমি বাত নেই করতা, কিউকি নিউ স্কিম মে বাত করেঙ্গে না তো ট্যাক্স স্কিম সমঝানে মে মুঝে থোড়া অর কনফিউশন ক্রিয়েট হো জায়েগা, ইসলিয়ে মে ইয়ে জো নিউ ট্যাক্স সিস্টেম হ্যায় 115 বিএসই ইসকো মে থোড়া সা স্কিপ করতা হুঁ, তো মে ওল্ড স্কিম মে হি বাত করতা হুঁ. জো ওল্ড স্কিম কারেন্টলি অ্যাপ্লিকেবল হ্যায়, একদম অ্যাপ্লিকেবল হ্যায়, বাট স্কিম ওল্ড হ্যায়, মতলব 2019 সে চল রাহা হ্যায়, ইতনা মে আপকো বোল সকতা হুঁ. এন্ড ইউ অল নো, মেবি ইউ অল নো, আপ টু 250,000 नील. अच्छा, एज का भी एक मैटर होता है, ठीक है, करेंट जो मैं बता रहा हूं ना आपको ओल्ड स्कीम, दैट इज लेस देन 60 इयर्स, ओके, दैट इज लेस देन 60 इयर्स. और एक कॉन्सेप्ट है ग्रेटर देन 60 इयर्स, और एक होता है ग्रेटर देन 80 इयर्स, मतलब 60 टू 80 का एक ब्रैकेट होता है, और 80 से ऊपर का एक होता है, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन. एंड ग्रेटर देन 60 इज अ सीनियर सिटीजन, एंड लेस देन 60 जिसमें ऑलमोस्ट सभी को आ जाते हैं. तो 250,000 तक अगर आप इनकम करते हो तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, और सभी इनकम मिला के, आप प्लीज बात को समझ लीजिएगा, मतलब आप इनकम टैक्स, मतलब आप सैलरी इनकम कीजिए, आप बिजनेस इनकम कीजिए, कितना कितना इनकम करने का सोर्स होता है, इनकम करने का मेनली 5 सोर्स होता है, 5 सोर्सेस. एक को हम लोग बोलते हैं सैलरी इनकम, बस आपको 2 मिनट में इसको ओवरव्यू दे देता हूँ. सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बीपी, कैपिटल गेन जो हमारा चर्चा का विषय है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड एक्चुअली इसमें आ जाता है कैपिटल गेन में. इसके अलावा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेंट से जो इनकम होता है ना उसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी, और एक इनकम को बोलते हैं जो कहीं नहीं मिलता उसको अदर सोर्स बोलते हैं, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि विनिंग करना, गैम्बलिंग खेल के जीतना, अलग अलग, डिविडेंड कमाना, डिविडेंड जो होता है ना वो भी एक चर्चा का विषय है, डिविडेंड इनकम वो अदर सोर्स में जाता है, ठीक है, डिविडेंड को कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं किया जाता. लेकिन आप जो कैपिटल गेन करते हो, दैट इज एसेट, आज आपने किसी एसेट को 1,00,000 में परचेस किया और फिर बाद में उसको आपने 1,50,000 में सेल किया, ठीक है, दैट इज योर कैपिटल गेन, ठीक है, डिविडेंड इज अदर सोर्स इनकम. तो मैं अभी अदर सोर्स में बात नहीं करूंगा, लेकिन 5 हेड्स है आपका इनकम करने का. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका 5 हेड्स ही बना के रखा है, 5 सोर्स या 5 हेड्स, जैसे रावण का 10 माथा होता है, मतलब इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स में सैलरी है, बीपी है, सीजी है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है. इसमें से हमारा डिस्कशन करेंटली कैपिटल गेन के साथ, बस इतना ही मुझे आपको यहाँ पर बताना था, अभी मैं आपको टैक्स लैब में लेके आ गया. मान के चलते हैं कि आप 60 साल से नीचे हैं, आप आपको 2.5 लाख तक नील टैक्स दोगे, 2.5 लाख से 5 लाख तक एट द रेट ऑफ, बताइए कोई पता होगा सबको, मोस्ट प्रोबेबली 5% एट द रेट ऑफ 5%, इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट. 5 लाख से 5 लाख टू 10 लाख कितना? 10%. ओए, मार खाएगा. 10%. ओ सॉरी 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 सॉरी. 10% पहले था, अभी 10% का स्लैब है, इसमें है 115 बीएसई में है, पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसमें नहीं है, मतलब जो अभी भी एप्लीकेबल है और जो जो गोल्डन है बेसिकली. 5 लाख टू 10 लाख एट द, हां ठीक है, चलो मैं बनना अभी ये नहीं बोल रहा, मार खा तो भी बोले छे बेटा उन्होंने कहा कितना. अच्छा, मैं मार खा लूंगा सबसे. 5 लाख से 10 लाख एट द रेट 20% एंड greater than 10 lakh, that is greater than 10 lakh at the rate of 30%. अब इसके ऊपर भी कुछ कॉन्सेप्ट है, that is अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करता है एनुअल, ठीक है, तो 50 लाख क्रॉस करने पे सार चार्ज लगता है. मैं अभी इसको स्किप करता हूँ, 50 लाख के ऊपर का जो सार चार्ज का कॉन्सेप्ट है इसको मैं स्किप करता हूँ. ओके शंकर जी, हाँ ठीक है, ठीक है,
ठीक है, 50 लाख के ऊपर का जो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है, 50 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़ मैक्सिमम जो टैक्स है वो है करेंटली इंडिया में 37.5% ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा अभी, ठीक है, इसको स्कीप करता हूं मैं करेंटली, ये जो 50 लाख के ऊपर वाला ब्रैकेट में मैं नहीं जाऊंगा, वो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है। मेन जो एरिया है दैट इज दिस एरिया। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है एट द रेट 5%, 5 लाख से 10 लाख है 20% एंड ग्रेटर देन 10 लाख है एट द रेट 30%। ये रेट को कैसे यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स स्लैब। इसको स्लैब के बेसिस में होता है, मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ क्योंकि ये सब समझ में आ जाएगा ना तो इजीली समझ सकते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो स्लैब को कैसे यूज करेंगे, आप बस इस रेट को याद रखिए, आप बस इस रेट को याद रखिए। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम है 12 लाख एनुअली, ठीक है, चलेगा ना, एक स्टैंडर्ड लिया मैंने। अगर आपका इनकम 12 लाख है एनुअली, सुबह चलो तो 12 लाख का, ओके আমার ধরুন 12 লাখ হলো, তাহলে কি আমার টোটালটা 30% দিতে হবে না ওই 2 লাখ টাই 30% দিতে হবে? আমি ওইটাই বোঝাচ্ছি, আমি আমি ওই জিনিসটাই বোঝাচ্ছি, ওই জন্যই আমি 12 লাখ টাকার 12 লাখ টাকাটাকে আমি एग्जांपल হিসেবে নিয়েছি, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। ওই জন্যই আমি এটা নিয়েছি, আমি জানি এই প্রবলেম গুলো হয়, ওই জন্যই আমি এটা চর্চা করছি। তো अगर आपका इनकम 12 লাখ है तो फिर आप सारा का सारा स्लैब कवर कर सकते हो यहां पर, ठीक है, ऑल स्लैब्स आर इंक्लूडेड हियर, ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर 30%। तो इसको यूज कैसे होता है, तो क्या फ्लैट होता है, जैसे कि तरुण बाबू का जो क्वेश्चन है कि क्या 10 लाख के ऊपर जाने से फ्लैट 30% होगा, नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसको स्लैब कैसे, किस क्यों स्लैब बोलते हैं इसको, व्हाई दिस इज कॉल्ड स्लैब। इसका कैलकुलेशन कौन मुझे हेल्प करेगा, प्रिया, रोशनी, सुबह, कोई तो करो। 2.5 लाख तक एट द रेट नील, थैंक यू। ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख कितना होगा, 5% एट द रेट 5%, तो कितना टैक्स हो जाएगा, 12,500। प्लीज नोटेड, हाँ आप करके देखिए, 5 लाख से 2.5 लाख को लेस कीजिए तो आपका जो अमाउंट होगा ना, दैट इज 2.5 लाख से 5 लाख का जो डिफरेंस है, मतलब 2.5 लाख पे 5%, 2.5 लाख पे 5%, that is why 12,500, okay? ये यहाँ पर ये बात हुआ यहाँ पर। फिर greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate 20 कितना हो जाएगा, 5 लाख से 10 लाख का गैप कितना है, 5 लाख ना, तो 5 लाख पे at the rate 20% कितना हो जाएगा, 1 lakh, okay? मैं roughly दिखा रहा हूँ बिकॉज किसी को भी यहाँ पर तो इनकम टैक्स का एग्जाम नहीं देना है ना, इसीलिए ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अच्छा, फिर बाद में कभी मैं और डिटेल्स बता दूंगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड हमारे यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 10 लाख टू कितना होगा, 12 लाख ना, बस इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाना है, 12 लाख ही तक है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 लाख का डिफरेंस हुआ एट द रेट ऑफ, एट द रेट कितना, 60,000 होगा, लेकिन कुछ माइनस हो सकता है क्या, जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया इसको बोलते हैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, और इसके साथ ये जो 1,72,500 है ना, इसके साथ और क्या हो जाएगा, अच्छा इससे माइनस कुछ नहीं होगा, इससे और एडिशन होगा, मैं सॉरी, इससे माइनस नहीं, वो टोटल इनकम से माइनस हो सकता है, अगर आपका LIC प्रीमियम है, ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, आपने अपने घर के किसी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करके रखे हैं, ऐसा बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, अगर आपका कोई प्रोविडेंट फंड में दे रहे हैं आप,
पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर रहे हैं, वो सब आपको पहले ही मिलेगा, मतलब 12 लाख से ही माइनस हो सकता है अगर ये सब बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। मैं उस पॉइंट पे अभी नहीं जा रहा हूँ, दैट इज वो और डिटेल चर्चा हो जाएगा फिर। तो 1 लाख एक्सपेंसेस, हाँ बहुत सारा है, वो डिडक्शन है, वो डिडक्शन में मैं अभी बात नहीं करूंगा, मुश्किल हो जाएगा फिर। अच्छा 1,72,500 के ऊपर 4% का education and health is education and health is and health mandatory है, हर बार लगेगा, every time, ये mandatory है, सारे के सारे tax पे ये addition होगा ही होगा। तो 172,500 का 4% कोई मुझे थोड़ा बता दीजिएगा कितना होगा? कितना हो रहा है? 6,900। हाँ कौन बोल ली? 6,000 टोटल 12 লাখ যদি ইনকাম হয় তার মধ্যে থেকে প্রথম তো 2.5 লাখ ডিডাক্ট হয়ে যাবে, মানে যেটা ইনকাম ইয়ে নেই আর কি, ট্যাক্স দিতে হয় না যেটা। হ্যাঁ 2.5 লাখ তো এদিকে চলে গেল, এবার 2.5 লাখ থেকে 5 লাখের উপর আপনাকে 12,500 দিতে হবে, 5 লাখ থেকে 10 লাখ হলে আপনাকে 1 লাখ দিতে হবে, আর 10 লাখ থেকে 12 লাখ হলে যে 2 লাখ হচ্ছে সেটার উপরে আপনি 30% দিচ্ছেন। মানে এরকমটা হয় না, মানে অনেকে যেটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করে কি আমি 12 লাখ ইনকাম করছি মানে, আমি 12 লাখ ইনকাম করছি মানে, আমি জাস্ট দেখাচ্ছি আপনাকে, অনেকে এটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করে 12 লাখ ইনকাম করছি মানে অ্যাট দ্য রেট 30% তো হয়ে যাচ্ছে আমার 3,60,000 টাকা, এইটাকে বলে ফ্ল্যাট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইটাকে বলে ফ্ল্যাট সিস্টেম, যেটা কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়। ও না আমাদের এরকম হয় না, এটা এটা পাবলিকের হয় না, আমরা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল, ইন্ডিভিজুয়াল বা জয়েন্ট ফ্যামিলি বিজনেস এরকম হয় না। ওকে, তো এই যে ব্যাপারটা হলো এটাকে বলে হচ্ছে স্ল্যাব সিস্টেম, ঠিক আছে? তো এই স্ল্যাব সিস্টেমটাকে যদি আমরা ইউজ করি, 12 লাখ আগে কিছু অ্যানুয়াল ইনকাম হোগা উসকো 1,79,400 উসকো ট্যাক্স দেনা পড়েগা, ঠিক হ্যায়? নাও আব মিউচুয়াল ফান্ড মে থোড়া সা ডিটেইলস মে জায়েঙ্গে। শঙ্কর জি জায়গাটা ক্লিয়ার তো? শঙ্কর জি হ্যাঁ জায়গাটা ক্লিয়ার, বাকি ওই ডিডাকশন গুলো 12 লাখের উপরেই হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ ডিডাকশন থাকলে 12 লাখ থেকে করতে হবে, তারপরে এটিসি এটিসিসিডি ওগুলো 12 লাখের সাথে অ্যাডজাস্ট হবে যদি থাকে, আপনি যে ব্যালেন্স অ্যামাউন্টটা ওটার উপরে ট্যাক্সে ট্যাক্সে ক্যালকুলেট হবে। মানে আমি এখানে ধরে নিয়েছি কি 12 লাখ সব অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে, ঠিক আছে, অল অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে 12 লাখ। আমার যেটা মূলত খুব চিন্তার বিষয় ছিল, অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার স্যালারি যে আমরা মিউচুয়াল ফান্ড বা ইকুইটি থেকে শেয়ারে যে টাকাটা আমাদের ইনকাম হচ্ছে সেইটার উপরে তাহলে এক্সট্রা ট্যাক্স যাই হোক 12 লাখের উপরে বা 10 লাখের উপরে যেতে হবে, সেই ততটুকু অ্যামাউন্ট 30% দিতে হবে? না না ব্যাপারটা ঠিক এরকম না, আমি এখনো মিউচুয়াল ফান্ড বা এর ব্যাপারে কিছু বলিনি, মিউচুয়াল ফান্ড বা শেয়ারের ব্যাপারে আমি এখনো কিছুই বলিনি, আমি জাস্ট এখানে ইনকামের উপরে বললাম। এবারে আমার ইনকামের কথা বলছি, আমার ইনকাম ধরুন সাপোজ অলরেডি আমার 10 লাখ ক্রস করে গিয়েছে, তারপরে যে আমার অতিরিক্ত হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড বা শেয়ারে, সেটার ট্যাক্সটা কিভাবে আমাদের? না এই জায়গাটাই আমি বলবো এবারে, ওই জন্যই আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেট আপ করলাম আগে। কেন আমি এই কথাটা বললাম, সাপোজ আপনার ইনকাম 12 লাখ হো, আপনার ইনকাম 15 লাখ হো, ডাজন্ট ম্যাটার, মতলব ইসকে আন্ডার হো সকতা না কি দিস 12 লাখ কে আন্ডার ভি হো সকতা হ্যায় কি আপনার মিউচুয়াল ফান্ড কা ইনকাম ঘুসা হুয়া হো, ইয়ে ভি হো সকতা হ্যায়। একচুয়ালি না অলগ অলগ রেট হ্যায়, দ্যাট ইজ দি রিজন, লেকিন কোন সা চিজ অ্যাডজাস্ট করেগা অর কোন সা চিজ অ্যাডজাস্ট নাহি করেগা, ইসি কে লিয়ে মুঝে আপকো ইতনা সব চিজ বোলনা পড় রাহা হ্যায়, ঠিক হ্যায়? আপকো মে ওই চিজ থোড়া সা বাতা রাহা হু, আপ দেখিয়ে তো 5-10 মিনিট টাইম দিজিয়ে, সমঝ মে আ জায়েগা। Just take 5 minutes, 5 to 10 minutes. देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसा ही चीजें बताऊंगा। How do you want return in mutual funds? Taxation dividends offered by mutual fund, taxation capital gains offered, taxation on capital gain, equity, debt, hybrid. तीन तरह का fund होता है। हर fund का अलग-अलग concept है। अगर आप equity fund से income कर रहे हैं, तो उसका tax rate अलग होता है, debt fund का अलग होता है, hybrid का अलग होता है। और अगर आप SIP करते हैं ना, invested through SIP बहुत लोग करते हैं। सुमित आशीष সুমিতের আওয়াজ পাচ্ছে না, সুমিত খুব এসআইপি মাস্টার। ওকে, তো এসআইপি এন্ড এসটিটি সিকিউরিটি ট্রানজাকশন ট্যাক্স সব কুছ এক তরফ আর সিকিউরিটি ট্রানজাকশন ট্যাক্স এক তরফ, মতলব ইয়ে ইসকে সাথে কোনো কানেকশন নেই ইসকা। নাও পয়েন্ট ইজ দ্যাট হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট রিটার্ন ইন মিউচুয়াল ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ডে রিটার্ন কিভাবে পাই আমরা, ঠিক আছে? মানে থোড়া সা আপকো বাতাতা হুঁ, মিউচুয়াল ফান্ডস অফার ইনভেস্টর রিটার্ন ইন টু ফর্মস, ডিভিডেন্ড এন্ড ক্যাপিটাল গেইন। মানে আপকো পহলে হি বোলা কি ডিভিডেন্ড ইনকাম জো হামারা আদার সোর্স মে জাতা হ্যায়, আর হামারা পয়েন্ট ইজ ক্যাপিটাল গেইন। Dividends are paid out of the profit of the company.
कंपनी अपने प्रॉफिट से डिविडेंड देता है इफ एनी, यदि अगर कंपनी के पास कोई प्रॉफिट होता है तो व्हेन द कंपनीज आर लेफ्ट विद सरप्लस कैश दे मे डिसाइड टू शेयर द सेम विद इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डिविडेंड. एंड इन्वेस्टर्स रिसीव डिविडेंड प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स हेल्ड बाय देम. ठीक, जैसे शेयर के बारे में होता है ना, कितना शेयर आप होल्ड कर रहे हैं उसके बेसिस में आपको डिविडेंड मिलता है. यहाँ पर भी कितना म्यूचुअल फंड का यूनिट में आप कितना होल्ड करते हैं उसके बेसिस में आपको डिविडेंड मिलता है. And dividend income is taxable in other source. That is in, वो add हो जाएगा आपका main income के साथ. Other source का जो income के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना, वो add हो जाएगा आपका main income के साथ. A capital gain is the profit realized by investors if the selling price of the security held by them is greater than the purchase price. मतलब आपने suppose मानिए कोई fund 1000 में purchase किया और उसको आप sell कर रहे हैं 1200 में. That means आपने 200 का gain किया. That is simple thing. ये हम लोग समझते हैं, all we know. In simple terms, capital gains are realized due to the appreciation in the price of the mutual fund. That is, mutual fund का जो appreciation हुआ है, मतलब जो value increase हुआ है, उसके ऊपर मेरा जो gain हुआ है, जब मैं sell करके निकल रहा हूँ. Both dividends and capital gains are taxable in the hands of investors of mutual funds. Dividend हो या mutual funds, दोनों ही mutual funds जो investors है उसी के हाथ में होता है. ठीक है, दोनों ही उसी के हाथ में. मतलब पहले होता था कि डिविडेंड कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, बट आजकल नहीं है. आजकल इन्वेस्टर्स के हाथ में ही एक्चुअली ये ना ऑल एवरी 2 to 3 इयर्स में ना चेंजेस होता रहता है, इसीलिए ना टैक्स को ऐसी तरह से लिखा जाता है. एंड टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड एज पर द अमेंडमेंट मेड इन 2000, देखिए ना अमेंडमेंट आया यूनियन बजट 2020 में. मतलब हम लोग 2018 तक कुछ और समझ के रखे थे, बट यूनियन बजट 2020 में कुछ चेंजेस आ गए. Dividend offered by any mutual fund scheme are taxed in the classical manner. That is, dividend received by investors are added to their taxable income. That is, आपका जो मैंने 12 लाख दिखा रहा था ना, suppose you are earning is 12 लाख, तो वो आपको उसके साथ add हो जाएगा. And taxed at their respective income tax slab rate, जो मैंने आपको अभी समझा गया है कि अगर आप dividend income करते हो तो वो dividend income आपका main income के साथ जुड़ के ही आ गया है. That is, अगर आपका 12 लाख है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें dividend included है. इसमें dividend included है, तभी आपका 12 लाख है. और इसके ऊपर आपने टैक्स जो दिया, दैट इज ऑन स्लैब रेट. प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिए आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया. डिविडेंड इनकम आपका स्लैब रेट इनकम के साथ ऐड होके ही टैक्स होता है. इज दिस क्लियर फर्स् ट? फिर मैं आपको गेन समझा सकता हूं. नहीं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे केस में हमारा जो इनकम होता है, जो सैलरीड इनकम है, हां, उसका हमको फॉर्म 16 मिलता है. हां जी, हां वो तो है. ठीक है, तो वो इनकम डिफरेंट होता है. और अगर मैं फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और उसमें जो कैपिटल गेन होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब वो फॉर्म 16 में नहीं इंक्लूड होता है. यस, आई अंडरस्टैंड, वो मैं समझ गया. कैसे, हाँ, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब म्यूचुअल फंड का जो है उसको कैसे टैक्सेशन में दिखाना. वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो फॉर्म 16 में आपका जो हिसाब होता है ना शंकर जी, वो फॉर्म 16 या AS-29 जो होता है, वो फॉर्म 16 या AS-29 जो होता है ना, मैंने जो आपको 12 लाख का हिसाब दिखाया ना, AS-26 मैंने जो आपको 12 लाख का हिसाब दिखाया, वहां पर हिसाब एक्चुअली इसी फॉर्मेट में होता है जो मैं आपको भी समझा रहा था. चाहे आप कोई भी सैलरी होल्ड हो, किसी भी तरह का सैलरी आपके अंदर, वही टोटल इनकम होता है, उसके बाद डिडक्शंस होते हैं, जैसे 50,000 एग्जैक्टली में मैंने कितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर है, वो करके फाइनल जो वैल्यू आता है उस पर टैक्सेशन कैलकुलेट, उसमें आप टैक्स देते हो. और वही मैं यहाँ पर आपको वही चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आपका फॉर्म 16 भर के जब टैक्स पे कर रहे ना सैलरी का ही, तो डिविडेंड इनकम एक्चुअली उसके साथ एडिशन हो जाता है. डिविडेंड इनकम मतलब डिविडेंड इनकम कैसे होगा, मतलब वो मैं तो या तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा कंपनी को. ऑब्वियसली हाँ, अगर आप डिक्लेयर करेंगे तभी ऐड होगा ऑब्वियसली. लेकिन रूल यही है कि डिविडेंड इनकम आप मेन उसी में आपको दिखाना पड़ेगा जो आपका स्लैब रेट के हिसाब से ही होता है. डिविडेंड इनकम स्लैब रेट के हिसाब से ही हिसाब होगा. उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, अदर इनकम से दिखाऊंगा, अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करके आपको अलग से दिखाना पड़ेगा. ओके, ठीक है. लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि वो कैपिटल गेन में टैक्स नहीं होता. तो वो इनकम कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, सपोज कीजिए डिविडेंड या ये म्यूचुअल फंड इनकम पूरे साल का मतलब वो ये क्या कहते हैं, जो अगर मैं जीरोधा से करता हूँ इक्विटी के ऊपर या फिर म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो उनका जो पूरे साल का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से मैं इवैल्यूएट करूंगा, ये एक्सट्रैक्ट करूंगा उस इन्फॉर्मेशन को, कितना मैंने exactly. कितना मेरा गेन हुआ है.
एग्जैक्टली वही मैं आपको बताऊंगा, आप और दो मिनट देखिए, और दो मिनट देखिए आपका जवाब मिल जाएगा। एक्चुअली एक चीज के साथ दूसरा चीज इतना कनेक्टेड है, अगर मैं वो वाला बात ना बोलूं तो दूसरा बात क्या हो जाएगा ना, कंफ्यूज क्रिएट रह जाएगा, इसलिए मुझे एक एक करके ही बताना पड़ रहा है। Previously, dividend were tax-free in the hands of investors as the companies were DDT. तो 2020 से पहले, 2020 के बजट से पहले dividend मतलब exempted होता था। अगर आप लोग किसी को पता है, जैसे कि section 10 subsection 34 बोल के एक section होता था, उसके हिसाब से dividend distribution tax company को देना पड़ता था, investor को देना नहीं पड़ता था। लेकिन ये rule अभी आया है, ठीक है? तो इसलिए पुराना practice में आपको dividend देना ही नहीं पड़ता था dividend tax, क्योंकि वो company काट के दे देता था सरकार। That is another point. तो before sharing profit, मतलब आपको profit देने से पहले वही tax काट लेता था, लेकिन budget में change हो गया 2020 में। With invested in the form of dividend, during this regime, dividends received from domestic companies up to rupees 10 lakh, ये उस time का बात कर रहा हूँ, जब आप 10 lakh तक कमाते थे, were tax free in the hands of investors. Any dividend in excess of 10 lakh, उसमें 10% का dividend लगता था। ये 2020 budget से पहले का बात था। अब इसमें क्या changes आ गया? वही मैं आपको बोला कि अभी का चेंजेस तो मैं आपको बताया कि डिविडेंड इनकम आदर्श सोर्स इनकम के हिसाब से आपके मेन इनकम के साथ ऐड हो जाएगा। अब कैपिटल गेन जो आप लोगों का मेन चिंता का विषय है, द टैक्सेशन रेट ऑफ कैपिटल गेन ऑफ म्यूचुअल फंड डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। किस तरह का म्यूचुअल फंड आप होल्ड करते हो और उसका होल्डिंग पीरियड कितना है। होल्डिंग पीरियड इज ड्यूरेशन फॉर विच द म्यूचुअल फंड यूनिट्स वेर हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स। मैं आपको कुछ टाइम दिखाता हूँ, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न है। जैसे देखिए एक बार इस चीज पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इक्विटी फंड होल्ड करते हो, इक्विटी फंड है अगर 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म है, और अगर 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। अब अगर आप बोलेंगे कि होल्डिंग के साथ क्या है, रेट चेंज हो जाता है, शॉर्ट टर्म में 15% कैपिटल गेन लगता है, लॉन्ग टर्म में 10% और 20% कैपिटल गेन लगता है। अब कब 10% कब 20% वही मुझे आपको बताना पड़ेगा, और कब 15% वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? होल्डिंग पीरियड क्यों आपके लिए वाइटल है, यही इसीलिए मैंने आपको बोला होल्डिंग पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इक्विटी फंड है तो शॉर्ट, अगर 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर डेब्ट फंड है तो शॉर्ट, 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। दिस इज ऑल एज पर इनकम टैक्स। एंड अगर हाइब्रिड फंड है, हाइब्रिड में अगर इक्विटी ओरिएंटेड है, दैट मींस अगर टोटल फंड का 65% इक्विटी को बेस करता है तो दैट इज इक्विटी ओरिएंटेड। अगर वो भी 12 महीने से कम है, 12 मंथ से कम, तो शॉर्टर, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो 12 महीने से ज्यादा। अब इसी में आपको मुझे बताना होगा टैक्स कितना हो जाएगा, या टैक्स किस तरह से आप उसका कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द पॉइंट ना। तो टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी फंड्स, अब देखिए मेन पॉइंट में आ ही गए, जो पॉइंट आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा चल रहा था। इक्विटी फंड्स और दोस म्यूचुअल फंड्स उस पोर्टफोलियो इक्विटी एक्सपोजर एक्सिड 65%, जो मैंने आपको बोला, यू रियलाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिडीमिंग योर इक्विटी फंड यूनिट विद इन होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, दीज गेन्स आर टैक्स एट ए फ्लैट रेट ऑफ 15%। शॉर्ट टर्म जो भी गेन करेंगे ना, शॉर्ट टर्म गेन चाहे आप डेब्ट ओरिएंटेड फंड से करें या इक्विटी ओरिएंटेड फंड से करें, इसमें आपका फ्लैट 15% होगा, फ्लैट 15%। आपको बात समझ में आया? इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम टैक्स ब्रैकेट, मतलब आप 2.5 लाख ग्रुप में पढ़ते हो, 5 लाख से 10 लाख के ग्रुप में हो, फर्क नहीं पड़ता, एसटीसीजी जो भी होगा एट द रेट 50%, 15% के हिसाब से टैक्स हो जाएगा। दैट मीन्स विद इन 1 ईयर अगर इक्विटी फंड है, और अगर इक्विटी डेब्ट फंड है तो 36 मंथ से कम। बोलिए शंकर जी, ये वाला बात समझ में आया? हाँ, मतलब सपोज कीजिए मेरा कैपिटल गेन होता है पूरे साल में इक्विटी से, इक्विटी फंड, हाँ, इक्विटी फंड से 1000 रुपए जी, तो मेरा 1000 रुपए पे मैं अगर शॉर्ट टर्म फंड है वो, तो 15%। ये कैसे पता चलेगा, मतलब शॉर्ट टर्म फंड है तो 15% और लॉन्ग टर्म फंड है तो, लॉन्ग टर्म फंड है तो 10%, उसका अलग हिसाब है। मैं आपको अब मैं इवैल्यूएट कैसे निकालूंगा उसमें से, मेरी स्टेटमेंट से कि ये शॉर्ट टर्म मैंने वो किया ट्रेड किया या लॉन्ग टर्म ट्रेड किया, किस डेट में आपने परचेस किया और किस डेट में आपने सेल किया। अच्छा, ऐसे निकालना पड़ेगा मुझको? हां ऑब्वियसली, आपका बाइंग डेट, द परचेस डेट और सेल डेट, वहीं से पता चलेगा ना। आपका बाइंग डेट और सेल डेट, एक्चुअली क्या है कि कैपिटल गेन के ऊपर ऑलमोस्ट 7 क्लास लग जाता है पूरा कैपिटल गेन को समझाने, लेकिन वही बात मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लास या हार्डली 2 क्लास में मैं आपको बताऊंगा,
क्योंकि इतना डिटेल्स ऐसा भी होता है ना कि 1 लाख रुपीस तक जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है. एक्जेक्टली यस 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 दैट इज द प्रोविजन. वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए. यस वो लॉन्ग टर्म के लिए. यस दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म. ओके यू मेक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज अगर आप इक्विटी फंड होल्ड करते हो तो मोर देन 1 ईयर और अगर आप डेब्ट फंड होल्ड करते हो तो ग्रेटर देन 36 मंथ्स. लॉन्ग टर्म का मतलब 2 है. लॉन्ग टर्म का मतलब 2 है. अगर इक्विटी फंड है तो 1 साल से ज्यादा ग्रेटर देन 1 ईयर दैट इज 12 मंथ्स और अगर डेब्ट फंड है तो फिर ग्रेटर देन 36 मंथ्स. और अगर आप ऐसे फंड से इनकम करते हो, अगर आप ऐसा फंड से इनकम करते हो तो फिर आपका हिसाब देखिए सेलिंग योर इक्विटी फंड एंड आफ्टर होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर दिस कैपिटल गेन्स अप टू 1 लाख अ ईयर आर टैक्स एग्जेम्प्ट. 1 साल में 1 लाख कमाते हो कोई टैक्स नहीं देना है. बट अगर आप 1 लाख से ज्यादा कमाते हो तो फिर आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा दैट इज 10% और इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो व्हाट इज दिस इंडेक्सेशन बेनिफिट, ये बात आपको मैं एक बार बता देता हूँ. एक्चुअली क्या होता है ना, ये जमीन वगैरह के केस में ऐसे ज्यादा होता है. लैंड वगैरह परचेस करके जो लोग सेल वगैरह करता है ना उनको बहुत जरूरी हो जाता है और ये इंडेक्सेशन बेनिफिट लॉन्ग टर्म वाले को ही मिलता है. नहीं तो ये जो टैक्स एग्जेम्प्ट मिलता है 1 लाख का, ये किस पे, इक्विटी फंड में मिलता है या डेट फंड में? इक्विटी डेट दोनों में मिलेगा. दोनों में मिलेगा लेकिन डेट में कैलकुलेट करेगा तो 36 मंथ से. एग्जैक्टली डेट में कैलकुलेट करेगा तो 36 मंथ का होगा और इक्विटी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा. अच्छा 36 ओवर 36 मंथ होगा अगर डेट फंड है. अगर इक्विटी फंड है तो फिर ओवर 1 ईयर. ओवर 1 ईयर एग्जैक्टली ठीक है. और लॉन्ग टर्म में ही आपको ये बेसिक फैसिलिटी मिलेगा. 1 लाख तक का जो एग्जेम्पशन है ये ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस. ঠিক আছে আচ্ছা এটা এটা কি সমস্ত ক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ডের কথাই বলছেন? হ্যাঁ আমি সব মিউচুয়াল ফান্ডের কথা বলছি, এখানে কোনো শেয়ারের গল্প বলছি না. আচ্ছা ঠিক আছে. আর একটা কথা বলে রাখি, মানে ইয়ে যে লং টার্ম মে যে শেয়ার কা যো কি মানে শেয়ার মে ভি না সেম কনসেপ্ট ফলো হতা হ্যায়. ইয়ে যে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইন 15% অলসো অ্যাপ্লিকেবল ফর ইকুইটি শেয়ার এন্ড আপ টু 1 লাখ তক লং টার্ম মে ও ভি শেয়ার মে ভি ফলো হতা হ্যায়. বাট ফির ভি মে আভি কারেন্টলি শেয়ার কো থোড়া স্কিপ কিয়া বিকজ মে থোড়া মিউচুয়াল ফান্ড মে হি বাত কর রাহা হুঁ তাকি কনফিউশন ক্রিয়েট না. लेकिन दिस ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर शेयर मार्केट ऑल्सो. इक्विटी शेयर के लिए भी एप्लीकेबल है. बट आपको करेंटली मैं इतना बोलूंगा कि आप करेंटली सिर्फ म्यूचुअल फंड ही सोचिए दिमाग में. लेकिन अल्टीमेटली वही हो गया ना, म्यूचुअल फंड में भी तो वही इक्विटी ही होता है ना. इक्विटी फंड मतलब जिसमें इक्विटी ज्यादा है, सेम कॉन्सेप्ट, वो भी शेयर मार्केट का ही कॉन्सेप्ट से हो रहा है. यहाँ तक अगर म्यूचुअल फंड किनते के लिए हमें देखते हुए जेटा কি জাতীয় ফান্ড, মানে ইকুইটি ফান্ড না ডেট ফান্ড না হাইব্রিড ফান্ড? এক্স্যাক্টলি ইকুইটি ফান্ড, ডেট ফান্ড অর হাইব্রিড ফান্ড. হাইব্রিড মে দো তরহ কা হোতা হ্যায়, এক ডেট ওরিয়েন্টেড হোতা হ্যায় অর এক ইকুইটি ওরিয়েন্টেড হোতা হ্যায়. ইকুইটি ওরিয়েন্টেড কা মতলব আগর টোটাল ফান্ড কা 65% ইকুইটি মে বেসড হ্যায় জো রিটার্ন জাদা ভি দেতা হ্যায় লেকিন রিস্ক ভি জাদা হোতা হ্যায় তো উসমে আপ দেখ লিজিয়ে কি 12 মহিনে সে কম হ্যায় কি 12 মহিনে সে জাদা হ্যায়. लेकिन अगर डेब्ट ओरिएंटेड फंड है, अगेन 65% ऑफ द टोटल फंड अगर डेब्ट में जाता है तो 36 मंथ से कम है कि 36 मंथ से ज्यादा है? ओके और इक्विटी फंड के लिए शॉर्ट टर्म हो तो मैं यहाँ पर रेट एक बार लिख के दे रहा हूँ आप लोग, ठीक है? ये नोट्स मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों से, डोंट वरी. आप लोग आराम से घर में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. शॉर्ट टर्म है तो 15% फ्लैट, लॉन्ग टर्म है तो 10%. ओके अप टू 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है. अप टू 1 लाख एग्जेम्प्ट, ग्रेटर देन 1 लाख जितना होगा 10%, लेकिन विदाउट इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल गेन में. मैं बस आपको एक बार दिखा के रखता हूँ कि इंडेक्सेशन का क्या होता है. कुछ ऐसे देखने में होता है इंडेक्सेशन, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स. लेकिन ये आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि पहले ना 20% का टैक्स, एक्चुअली कैपिटल गेन 20% का होता है. जो 20% का कैपिटल गेन लेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, उनको इंडेक्सेशन मिलता है. इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलता है इसको. 2001-2 में इंडेक्स का वैल्यू है 100 और 2021 में इंडेक्स का वैल्यू है 301. इसको यूज करने का ना एक कैलकुलेशन है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एक बार, ठीक है, कैसे इंडेक्स यूज होता है. बट ये आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड में एप्लीकेबल नहीं है तो फिर अभी इतना चिंता करने का विषय नहीं है. आप प्लीज बात को समझिए, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड है जिसमें जरूरी है, मैं वही आपको बताता हूँ. अच्छा देखिए, टैक्सेशन ऑफ डेब्ट फंड में क्या है. देखिए, डेब्ट फंड आर दोस फंड्स जहां पर डेब्ट एक्सपोजर 65% से ज्यादा है, ठीक है. इसमें आप एक चीज प्लीज ध्यान से देखिए, टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन ऑफ डेब्ट फंड, ठीक है,
As mentioned in the table above, you get short-term capital gain on redeeming your debt fund units within a holding period of 3 years. These gains are added to your taxable income and taxed at your income tax level. एक दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पर, मतलब अगर डेब्ट फंड है, please try to understand. डेब्ट फंड का जो STCG है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, डेब्ट फंड है तो फिर वो उसका फ्लैट 15% नहीं होता है ये आपके मेन जो स्लैब है ना उसके साथ ऐड हो जाएगा. दिस इज द रूल. अगर आप, क्योंकि डेब्ट फंड का शॉर्ट टर्म कितना होता है, मोर देन वन ईयर, 36 मंथ से कम है, लेस देन 36 मंथ है ना. अब बात को समझिए, इसका 15% का रेट नहीं लगता है, इसमें स्लैब रेट लगता है. मतलब आपका जो मेन इनकम है उसका नॉर्मल इनकम के साथ आप उसको ऐड कर देंगे. क्या नाम पे ऐड होगा? कैपिटल गेन पे ऐड होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सिंपल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. हम लोगों को बात समझ में कुछ आया? मैं फिर से बोल रहा हूं. अच्छा, और एक बार कंपेयर करके बोलता हूं. अगर सेम डेब्ट फंड अगर लॉन्ग टर्म है, डेब्ट फंड है मतलब जो बॉन्ड या डिबेंचर ओरिएंटेड फंड है, अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो फिर आपका टैक्स रेट 20% है, लेकिन उसमें आपको इंडेक्सेशन मिलेगा. इसका यूज मुझे आपको बताना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, आज नहीं बताऊंगा बट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि जब आप 20% यूज करोगे तो इंडेक्सेशन में आपको बेनिफिट मिलता है. इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स. ठीक है, टैक्स रेट है फैट फ्लैट सॉरी 20%, लेकिन फ्लैट 20% है पर इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलेगा. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डेब्ट फंड यूज करते हो तो शॉर्ट टर्म में 15% नहीं लगता है, इक्विटी फंड में लगता है 15%. डेब्ट फंड में शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है वो आपका मेन जो इनकम है उस इनकम के साथ, जो आपका अलग इनकम है, सपोज आप सैलरी इनकम करते हो, बीपी इनकम करते हो, उस इनकम के साथ स्लैब में आएगा. स्लैब में जो आपको मैं पहले ही दिखा रहा था, अलग से चार्ज नहीं होगा. ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो डेब्ट फंड में तो 20% फ्लैट, लेकिन आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा. ये बेनिफिट कैलकुलेशंस मुझे आपको अलग से बताना पड़ेगा. और ये जो हाइब्रिड फंड है, अब हाइब्रिड फंड में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट. अगर हाइब्रिड फंड में वो 65% इक्विटी है तो फिर इक्विटी जैसा बर्ताव होगा, अगर डेब्ट है तो डेब्ट जैसा बर्ताव होगा. ये देखिए पूरा का पूरा खेल देख लीजिए. अल्टीमेट समरी, मैं यही बोल देता तो अच्छा होता. अगर फंड टाइप इक्विटी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% टैक्स, साथ में सेस और सरचार्ज अगर है तो. ठीक है, अच्छा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी फंड अप टू 1 लाख इन ईयर एग्जेम्प्ट, एनी गेन अबव 1 लाख आर टैक्स एट द रेट 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज. हेलो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? डेब्ट फंड टैक्स एट द इन्वेस्टर्स इनकम स्लैब रेट, मतलब जो स्लैब रेट मैं आपको पहले ही दिखाया, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 to 10 लाख 20%, इस तरह का जो स्लैब रेट है. अगर आप डेब्ट फंड यूज करते हो तो अगर वो शॉर्ट टर्म है तो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से होगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, इसमें आपको इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा. इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स. क्या इंडेक्स? इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मिलेगा. नहीं तो क्या हो जाता है ना, ऐसे होता है ना, कुछ जमीन आपने 1 लाख में खरीदा था और आज उसका वैल्यू 40 लाख है, ऐसा जमीन होता है ना. कभी किसी ने 20 साल पहले लैंड खरीदा था 1 लाख पे, अभी उसका वैल्यू 40 लाख है, तो गेन तो हो गया 39 लाख, तो क्या 39 लाख पे टैक्स देगा? हेलो, आप बात समझ रहे हैं ना, इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज क्यों करना पड़ता है. सिमिलरली डेब्ट के केस में भी हो सकता है, आपने कोई बॉन्ड या डेब्ट फंड खरीदा है 1 लाख पे जिसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, तो इन दैट केस वो लॉन्ग टर्म है, मोर देन 5 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, तो इन दैट केस आपको वो इंडेक्स बेनिफिट देने को मिलेगा, और उसमें आपका क्या होगा, जो गेन है वो कम हो जाएगा, और गेन कम होने पर आपका टैक्स कम हो जाएगा. इसके लिए मुझे आपको कोई कैलकुलेशन बताना पड़ेगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा के ही आपको समझा दूंगा. छोटा सा मैटर है, 5 मिनट लगेगा. और हाइब्रिड है, हाइब्रिड में अगर इक्विटी है तो सेम टू सेम 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, और लॉन्ग टर्म है तो अप टू 1 लाख ईयर टैक्स एग्जेम्प्ट, एनी गेन्स अबव 1 लाख टैक्स 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज. और अगर हाइब्रिड फंड डेब्ट फंड है, सेम टू सेम डेब्ट फंड है, तो इन्वेस्टर का इनकम टैक्स स्लैब रेट में होगा, और लॉन्ग टर्म है तो 20% प्लस सेस प्लस सरचार्ज होगा. और अगर आप एसआईपी करते हो
तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि एसआईपी किस तरह से आप यूज कर रहे हो। मैं एसआईपी बाद में बताता हूँ आपको, पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो आपने सेस प्लस ये बताया ना, सेस मतलब एडुकेशन प्लस हेल्थ सेस, एडुकेशन प्लस हेल्थ सेस, हाँ मतलब सेस प्लस सरचार्जेस 4%। दूसरा आपने बताया कि 12 लाख रुपए का इनकम है और उसके बाद हम स्लैब वाइज कर रहे हैं, जैसे 2.5 to 5 lakh अमाउंट जो है टैक्सेशन, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्लैब वाइज। जी ठीक है, तो डेब्ट फंड में आपने शॉर्ट टर्म बताया वो स्लैब में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब वो 12 लाख में इंक्लूड हो जाएगा। जी 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 करेक्ट। अच्छा, लेकिन इक्विटी फंड में जिसमें आपने बताया, जिसमें शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 10%, जी ये कहाँ पर ऐड होगा? ये तो स्लैब में ऐड नहीं होगा, ये तो बाद में ऐड होगा ना, स्लैब के बाद में, मतलब स्लैब में जो कैलकुलेटर में 1,79,000 आया था, 1,79,000 के ऊपर ऐड होगा ये 15%। देखिए मैं बताता हूँ, आई अंडरस्टैंड। देखिए, से फॉर एग्जांपल आपने टोटल 12 लाख ही इनकम किया, समझिएगा ना, इसमें मेरा डेट फंड का शॉर्ट टर्म आ गया, इसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है डेब्ट का, ठीक है। आपने डेब्ट क्यों, अब इक्विटी भी लीजिए ना। हाँ, इक्विटी भी लिया मैंने, इक्विटी भी लिया आपने, ठीक है। आपने लॉन्ग टर्म का, आप लॉन्ग टर्म भी लीजिए ना डेब्ट, और आप लॉन्ग टर्म का इक्विटी भी ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी। अब ये जो टोटल 12 लाख में से मैं मान के चलता हूं कि आपका एसटीसीजी है 50,000 का, ठीक है, डेब्ट का, इक्विटी का 20,000 का ले लेता हूं, लॉन्ग टर्म का डेब्ट है आपका से फॉर एग्जाम्पल 1 lakh, चलेगा? हाँ चलेगा, 1 lakh लीजिए ना, 1 lakh का लॉन्ग टर्म डेब्ट है और लॉन्ग टर्म इक्विटी है आपका, इसको मैं 50,000 लेके चल रहा हूँ। अब ये सारा का सारा इनकम आपका एक्चुअली मेन इनकम के साथ ही आएगा, टोटल इनकम जब कैलकुलेशन हुआ है, जब आपने टोटल किया तब सारा का सारा आपका 12 lakh तक ही हुआ है। आपका जितना तरह का इनकम हो सकता है, जितना तरह का, ऑल हेड्स, जैसे कि सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, बीपी हो, ठीक है, अदर सोर्स हो, जो भी आपका सोर्स है कैपिटल गेन हो, सब सोर्स मिला के आपने 12 लाख इनकम किया मान के चलते हैं। अब ये 12 लाख के अंदर कुछ ऐसा टैक्स है जिसका रेट अलग है, ठीक है, 12 लाख के अंदर ये 12 लाख एक्चुअली स्लैब में जाना चाहिए, बट सारा का सारा स्लैब में नहीं जाएगा। कौन सा स्लैब में जाएगा? जैसे मैं पहले, सबसे पहले क्या करूंगा, ये 12 लाख को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए मुझे, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। इस 12 लाख को मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए, जो जिसका जिसका रेट अलग है उसको अलग कर दीजिए। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 का रेट कितना है, ये तो इसके साथ ऐड होगा ना, तो इसको कुछ नहीं करना है, तो इसको हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं मैं, क्योंकि ये तो स्लैब के अंदर ही रहेगा। आपको बात समझ में आया? हेलो, नहीं, ये शॉर्ट टर्म कौन सा है? डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट, हाँ, वो स्लैब में रहेगा, ये तो स्लैब में है, तो फिर इसको मैं हटा सकता हूँ ना, इसको रब कर सकता हूँ यहाँ से, तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि ये तो स्लैब के अंदर है। अब आप 12 लाख में से हटाइए इसको, मतलब इसको ऐसे करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, एक सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा रब करता हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन करने से समझ में आ जाएगा। टोटल 12 लाख है, 12 लाख से आप ये 20,000 का अलग टैक्स रेट है, हटा दीजिए इसको। लॉन्ग टर्म डेट दैट इज 1 lakh का अलग रेट है, इसको भी हटा दीजिए। लॉन्ग टर्म इक्विटी का भी अलग रेट है ना 50,000, इसको भी हटा दीजिए। तो बचा कितना आपका, 12 लाख में से 1,20,000 और 50,000, 1,70,000, तो आप माइनस कर दीजिए, 12 लाख में से 1,70,000 माइनस कर दीजिए, कितना है? मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैंने माइनस कर दिया, शॉर्ट टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म इक्विटी, तीनों ही माइनस होगा ना, तीनों ही माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 लाख में से 1,70,000 चला जाएगा, तो
ये जो 10,30,000 है ये आपका स्लैब में आएगा, ठीक है, इसका हिसाब आप स्लैब में कीजिएगा और इसके ऊपर लगा दीजिए 20,000 का, ये 20,000 है 15%, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है 1,00,000, मैं अभी मान के चलता हूं कि इसका इंडेक्सेशन हुआ है तो 20% ही मान के चलता हूं, ठीक है, रेट तो 20% ही है लेकिन इसको इंडेक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब आप कितने में परचेस किए हो उस टाइम से उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट को थोड़ा सा साइड रखता हूं, तो 1,00,000 का 20% कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 का 15% कितना हो जाएगा 3,000, 20,000 3,000, ठीक ही तो बोल, और इसका 50,000 का 50,000 जो लॉन्ग टर्म इक्विटी है इसमें 10% है ना, अच्छा इसमें ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज़ ये अप टू 1,00,000 है ना, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 1,00,000 तक आपको एग्जेम्प्शन है, अप टू 1,00,000 तक आपको एग्जेम्प्शन है ना, तो फिर ये एग्जेम्प्टेड है, तो इसको भी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो फिर ये भी नहीं रहेगा, तो फिर अल्टीमेटली 10,30,000 पे आप अलग से हिसाब कीजिए और फिर बाद में इसको अलग से जोड़ दीजिए, दैट इज अप टू 2,30,000 पे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1,79,000 आया, अच्छा वो 12,00,000 नहीं था। वो 12,00,000 के हुआ था, अब चेंज कर रहे हैं ना, अप टू 2,00,000 नील ग्रेटर देन 2.5 to 5,00,000 एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 12,500 और ग्रेटर देन 5,00,000 टू 10,00,000 एट द रेट ऑफ 20 तो 1,00,000 और ग्रेटर देन 10,00,000 टू 30,000 पर 30% जी 10,00,000 टू 10,00,000 30 तो 30,000 का 10% इसका जो अमाउंट आएगा उससे 23,000 ऐड कर देंगे हम, 30,000 का 10% 3,000 ना, 3,000 तो ये 1,12,500 3,000 कितना हो जाएगा 1,15,000 1,15,500 ये 1,15,500 साथ में ये 20,000 साथ में ये 3,000 सब ऐड हो जाएगा, सब ऐड करके 4% लगाइए 1,15,500 प्लस 20,000 प्लस 3,000 सब ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 1,38,500 सर हाँ, ये 3,000 गलत नहीं है, क्यों बोलो क्या हो गया, क्या गलत ले लिया, 10,00,000 से 10,30,000 का डिफरेंस तो 30,000 है ना, उस पे 30% आएगा ना, हाँ तो वही तो मैं पूछा सबको 30,000 का 30% कितना होता है, मैं गलत लिख दिया क्या, तो बोलो तो सही, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं कैलकुलेट ही नहीं किया, मैं पुट कर दिया, कितना है 30,000 का 30% 9,000 सॉरी चेंज कीजिए तो 1,00,000 कितना हो जाएगा 21 1,12,500 प्लस 9,000 121,500 सॉरी वो गलत हो गया था 121,500 ठीक है तो 121,500 इसके साथ 20,000 प्लस 3,000 तो 141 प्लस 3 144,500 144,500 उसके ऊपर 4% ये टैक्सेबल हो जाएगा जी प्रलय जी एडवांस टैक्स करके भी कुछ होता है क्या नेक्स्ट टाइम एडवांस टैक्स मतलब होता है कि अगर जिस साल का इनकम है उसी साल में आप टैक्स पे कर रहे हो मतलब एक्चुअली बिफोर योर इनकम अराइज यू हैव टू पे टैक्स मतलब वो प्रिजम्प्टिव मतलब वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेसिस में होता है ठीक है स्पेशली कंपनीज के लिए मैंडेटरी है
और कुछ बिजनेसमैन जिनका इनकम थोड़ा ज्यादा होता है उनके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। नहीं नहीं, आप हम लोग जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है, जिनका बिजनेस कंपनी है उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। एडवांस का मतलब है कि से फॉर एग्जाम्पल हम लोग 21-22 अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है और 2021 हमारा अभी प्रीवियस ईयर है, तो नॉर्मल क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं असेसमेंट ईयर पे। 2021 प्रीवियस ईयर का टैक्स, मतलब इस साल जो इनकम किया उसका टैक्स देंगे 21-22 में, यही होता है ना अभी? हाँ यही होता है, ये होता है। अब एडवांस टैक्स का मतलब है आप 21-22 में जो इनकम करोगे उसका थोड़ा एज्यूम करके, मतलब प्रीवियस इनकम के साथ थोड़ा एडजस्ट करके, अगर ज्यादा कम जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप पे कर दो, तो उसमें कुछ रिबेट मिलता होगा। रिबेट, हाँ थोड़ा बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप पहले पे करते हो, और अगर ज्यादा, अगर मानिए कि ऐसा होता है कि जब बाद में आपको 31 मार्च के एंड पे आपको पता चलता है कि आपका टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगा, और अगर ऐसा होता है कि आपका ज्यादा ज्यादा अमाउंट हो रहा है तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगा, मतलब पेमेंट करने के लिए। हाँ। अच्छा ये प्रणय जी, आप इक्विटी तो नेक्स्ट वीक समझाओगे, नेक्स्ट संडे में, लेकिन इक्विटी में इंट्राडे में कुछ एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है क्या? इक्विटी में इंट्राडे में, अच्छा मैं एक बार देख लूंगा कि इंट्राडे के साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है कि नहीं। हाँ ठीक है, अगर हाँ। कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा इसके, ये जो चर्चा आज हुआ, ये हाँ बोल की बोल चीज, टैक्स बेसी है अच्छा। हाँ, तो वो इंट्राडे में वो ट्रांजैक्शन टैक्स भी रहता है, लेकिन जो भी है वो मैं देख के बताऊंगा कि कुछ एडवांस के लिए कुछ करता है कि नहीं करता, मैं वो बता दूंगा इंट्राडे का कुछ है कि नहीं, अभी मुझे डेटा याद नहीं आ रहा है, अगर याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक ठीक है, अच्छा ये सब क्लियर है ना, जो भी आज समझ में आया टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन होता है। तुरंत बाबू, तुरंत बाबू सुनते हैं अच्छे ना कि? हाँ मोटामोटी एक तो बुझे, ঠিক আছে, আমি একবার নোটসটা একটু শেয়ার করে দেবো ট্যাক্সের, হ্যাঁ একবার একবার গো থ্রু করে নেব, আর আমি নেক্সট দিন এসআইপিটাও একটু বলে দেবো, যারা এসআইপি করে, যে লোক এসআইপি করতে, আমার জন্য তো সব এসআইপি করা, আমার মিউচুয়াল ফান্ড সবই এসআইপি। হ্যাঁ, যে লোক এসআইপি করতে হয় উনকে লিয়ে সেম কনসেপ্ট সেমই হ্যায়, বাট এসআইপি কা অ্যাডজাস্টমেন্ট করনা হোতা হ্যায়, মতলব শর্ট টার্ম অর লং টার্ম মে এসআইপি মে থোড়া সা কনফিউশন হো সকতা হ্যায়, বিকজ ও পার মান্থ বেসিস মে হো রাহা হ্যায় না, পার মান্থ কোয়ার্টার জো ভি জো করতা হ্যায়, উইকলি করতা হ্যায়, মান্থলি করতা হ্যায়, क्वार्टरली करता है, बाय एनुअली करता है, एनुअली करता है, तो उसको देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में केस के लिए ना वो एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, कब ले रहे हो और कब छोड़ रहे हो, मतलब व्हेन यू बाय एंड व्हेन यू सेल, तो उसके बेसिस में एसआईपी कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर वही सेम कॉन्सेप्ट 12 मंथ्स का कॉन्सेप्ट और 36 मंथ्स का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बट इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका एसआईपी शुरू कब हो रहा है और आपका एसआईपी एंड कब हो रहा है, FIFO method, first in first out method, मैं next दिन एक बार बता दूँगा। तो ये सारा जो है basically ये return जब file करेंगे हम, तो ये किस में दिखाएंगे, other income में दिखाएंगे, ये capital gain, ये capital gain, capital gain में दिखाएंगे, capital gain में दिखाएंगे, capital gain में दिखाएंगे, आपके लिए capital gain है, जो लोग broker है ना, जो लोग इसका business करता है, ठीक है, उनके लिए ये BP income होगा, आपके लिए capital gain होगा। आप हम जैसे लोगों के लिए कैपिटल गेन, ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन आपको ये भी बताऊंगा। अरे एसटीटी जो है, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है, वो फ्लैट 0.001% इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्चुअली कलेक्ट करते हैं, व्हेन यू डिसाइड टू बाय और सेल म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड, जो भी है, देयर इज नो एसटीटी ऑन डेब्ट फंड, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेब्ट फंड में एसटीटी नहीं काटा जाता करंट रूल के हिसाब से, चेंज भी हो सकता है फ्यूचर में, करेंटली ये नहीं है, ठीक है, ये एवरी ईयर चेंजेस हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं बता दिया आपको, एसटीटी डेब्ट फंड में नहीं है, लेकिन इक्विटी फंड हाइब्रिड फंड में है, ठीक है। इसके साथ नॉर्मल टैक्स का कनेक्शन नहीं है, ये अलग से काटेगा, बाई सेल के ऊपर होता है ये, तो आप लोग इक्विटी में जो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हें भी पता है कि एसटीटी काटा जाता है। ओके, आई होप कि ऑलमोस्ट समझ में आया होगा, टैक्सेशन अपने आप में बहुत बड़ा एक एरिया है, इसमें चर्चा करना चालू करेंगे तो कैपिटल गेन में बहुत सारा सेक्शन आता है, 45 से लेके 55 तक का सेक्शन है, लेकिन उसके अंदर मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड शेयर ये सब, इसीलिए थोड़ा सा, और इसका नॉर्मल जो टैक्स है उसको भी मुझे बताना पड़ा,
इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। बोलिए शंकर जी। हाँ बोलिए। क्या होता है कि फॉर्म 16 जो बनता है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देते हैं। अच्छा देते हैं आप लोग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन। वो मांगती है कंपनी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांगती है, पहले प्रोजेक्टेड मांगती है, उसके बाद एक्चुअल मांगती है, जिसमें एक्चुअल में हम लोगों को सबमिट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना पड़ता है। जैसे अगर मैंने LIC किया है तो LIC का प्रूफ है, मैंने अगर मेडिक्लेम का पॉलिसी किया है तो उसका वो एक, हाँ, 80C से लेके 80U का अगर कुछ होगा तो वहाँ पर वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो वो तो बड़े सिंपल होते हैं, वो हमको पता है कि ये 80C का है, ये 80D का है, तो वो मेडिक्लेम पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी और या अगर पेंशन वो है कुछ फंड है इन्वेस्ट कर दिया दे दिया। अब ये जो ये कैपिटल गेन है ये तो हम लोगों के लिए मतलब एनालाइज करना एज ए लेमैन तो बड़ा मुश्किल है ना इसमें। नहीं नहीं ऑब्वियसली हाँ, जो लोग नॉन कॉमर्शियल कर सकते हैं ये तो कौन कर सकता है, मतलब ये तो किसी CA से करवाना पड़ेगा। जो जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है, हाँ, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है वो कर सकता है। उनको हम दे देंगे तो वो हमें कैलकुलेट करके बता देंगे कि हमारा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कितना कैपिटल गेन है, उसके बेसिस पे हम वो अपना डिक्लेरेशन पे सबमिट करेंगे। जी 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 एग्जैक्टली यही है कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको भी पता होगा तो फिर जो जिससे भी आप कैलकुलेशन करवाएंगे जो प्रैक्टिसिंग है तो उससे भी आपको क्या सुविधा हो जाएगी कि आप भी देख के समझ जाएंगे अच्छा इसलिए हुआ है, जो भी रीजन है वो आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके। चलिए फिर बाय अंश मोहितोष। ओके ओके गुड नाइट थैंक यू वेरी मच टाटा बाय सब गुड नाइट। हां बाय प्रिया। हां राख राख बाय ज्योति टाटा শুভ ভাই। না দাদা ওই লাস্টে যেটা ছিলেন ওটা আমাকে পাঠাবেন। হ্যাঁ বল 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 না কি বলছিস বল। লাস্টে ওই ক্যাপিটাল গেইন যেটা এই ওই মিউচুয়াল ফান্ড আর ইনকাম ট্যাক্সের যে স্ল্যাব গুলো দেখালেন না যে পিডিএফ টা আমাকে পাঠাবেন, আমার একটু কাজে আছে। হ্যাঁ না না আমি সবাইকেই পাঠাবো সবাইকেই পাঠাবো। আচ্ছা দাদা দাদা না আমার কাজে কারণ অলরেডি কারেন্টলি কাজ করছি তো তাই জন্য আমার একটু নিজেরই লাগবে। না না চোখ চোখ গুলো না না এগুলো চর্চার জিনিস।